स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई आल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के सेशन लिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन तो बस एक मिनट का टाइम दो मुझे मैं आप लोगों के कमेंट्स लगा लूं और देख लूं कि क्या हम लोग लाइव हैं फिर हम लोग करते हैं अपना सेशन स्टार्ट ठीक है सबको हाय सबको गुड इवनिंग कैसे हो आप सब ओके जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी आने वाले तीन दिन हम लोग बहुत भयंकर तैयारी करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की जो पुराने बच्चे हैं तुम्हें तो पता ही है क्या करना है जल्दी जल्दी सब लोग इस सेशन को लाइक करो वीडियो को शेयर करो सारे क्लासमेट्स को बताओ कि दीदी लाइव है फिर हम लोग करते हैं अपना सेशन स्टार्ट ओके तो आज की क्लास में हमें क्या करना है सबको हाई सबको गुड इवनिंग यार ऐसे कैसे चल रहा है दो बच्चे हैं क्लास में सिर्फ सौ लाइक है अब तुम्हें मतलब ये भी बताना पड़ेगा मुझे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो सब लोग इतना तो कर सकते हो यार तुम लोग मेरे लिए है है ना राहुल हाय चलो ठीक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज हमें क्या करना है बुक वन का मैराथन है अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो वो भी ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ आज हम लोग मैराथन करेंगे बुक वन का तो हमारा टारगेट क्या क्या है हमें आज की क्लास में क्या क्या कवर करना है पहले वो देखते हैं तो आज हम बुक वन कवर करेंगे कि एंड ऑफ कवर करना है हमें जो कि मार्क्स का आ रहा है इसमें बुक वन में क्या है कि सारे चैप्टर सिक्स मार्क्स के आ रहे हैं जो लास्ट चैप्टर है अपना ग्लोबलाइजेशन वो चार मार्क्स का है ठीक है तो हम एंड ऑफ बायपोलारिटी से शुरुआत करेंगे फिर कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर स्टार्ट करेंगे फिर कंटेम्प्ररी साउथ एशिया फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद सिक्योरिटी इन दंटेम्प्ररी वर्ल्ड एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस और लास्ट में हमें ग्लोबलाइजेशन करना है तो आज के क्लास में हमें ये सात चैप्टर्स खत्म करने हैं विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और शुरुआत करेंगे एंड ऑफ बायोपोलारिटी से तो आप लोगों को क्या करना है सब लोग अपने एनसीईआरटी को साइड में ओपन कर लो और ध्यान से सुनते जाओ अभी मैं तुम्हारा पूरा बुक वन का रिवीजन करा दूंगी पर क्लास का रूल तो सबको पता ही है अगर तुम लोग रेडी हो इस सेशन के लिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में भर भर के फायर इमोजीज डाल दो ठीक है उसके बाद हम लोग करते हैं स्टार्ट ओके डन है जल्दी जल्दी सब लोग भर दो कॉमेन सेक्शन को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो रेडी है सब मुझे तो यार दिख नहीं रहा वैसे फायर उ रेडी हो नहीं हो तुम लोग आकाश तो रेडी है कनन सब बढ़िया बेटा ओके अब मुझे थोड़े थोड़े फायर इमोजीज दिख रहे हैं ठीक है अब तो बहुत ही सारे फायर इमोजीज दिख रहे हैं बढ़िया यार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन एंड ऑफ बायपोलैरिटी से स्टार्ट करेंगे डन स्टार्ट करते हैं तो एंड ऑफ बायपोलरिटी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है बर्लिन वॉल की कहानी के साथ तो आपको बर्लिन वॉल के बारे में बताया जा रहा है कि बेसिकली ये एक वॉल है जो ये सिंबलाइज करता है कि वर्ल्ड को हमने दो हिस्सों में बांट दिया एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कैपिटलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं तो थोड़ा सा हमें बर्लिन वॉल के बारे में बता रखा है कि इसे 1961 में बनाया गया था और ये ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करता था 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लॉन्ग वॉल है ये जो कि 28 इयर्स तक रहा 28 इयर्स तक रहा का क्या मतलब है 28 इयर्स के बाद लोग 9th नवंबर 1989 को क्या करते हैं बर्लिन वॉल को लोग तोड़ देते हैं तो बर्लिन वॉल आप इस तरीके से समझो कि यहां ये जो एरिया दिख रहा है ना तुम्हें इस पूरे एरिया में बर्लिन वॉल लगा हुआ था तो बर्लिन वॉल के इस तरफ के जो लोग थे वो कैपिटलिज्म के ऊपर विश्वास रखते थे एंड इस तरफ के जो लोग थे उनके वहां पर सोशलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था पर फिर एक टाइम ऐसा आता है जब लोग परेशान हो जाते हैं और ये बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं तो ये इमेज है जहां पे बर्लिन वॉल को तोड़ा जा रहा है आपको दिख रहा होगा कि लोग मिलकर वॉल को इन लोगों ने पूरे वॉल को तोड़ दिया है ठीक है द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिग्न टू एंड तो उस टाइम पर क्या था कोल्ड वॉर चल रहा था कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था यूएसए कैपिटलिज्म के ऊपर विश्वास रखती थी सोवियत यूनियन सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखती थी एंड ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे वर्ल्ड में तब दो सुपर पावर्स हुआ करती थी एक थी यूएसए और एक थी सोवियत यूनियन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब सोवियत यूनियन कमजोर पड़ जाता है सोवियत यूनियन टूट जाता है एंड पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर बचता है और वो होता है यूएसए तो इसी पूरे कहानी के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा बायपोलारिटी मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां दो लोगों के हाथ में पावर है एंड ऑफ बायपोलारिटी मतलब कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ एक इंसान के हाथ में सारी पावर है तो ये हमें इस चैप्टर में समझना है तो कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन कि जो गवर्नमेंट है वो बस देखती रह गई कि उनका सोवियत यूनियन टूट रहा है एंड इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था कि मिलिट्री कोई बहुत बड़ा मिलिट्री अपराइजिंग हुआ या मिलिट्री ने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सोवियत यूनियन में जो साधारण लोग थे जो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन थे उन लोगों ने सोवियत यूनियन को खत्म करा था ठीक है अब सोवियत सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं सोवियत यूनियन में क्या सिस्टम चलता था एग्जैक्टली exactly वो समझते हैं तो यूएसएसआर की अगर हम बात करें यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये कब बना था रशिया में 1917 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद यूएसएसआर हमारा बना ये जो 1917 का रेवोल्यूशन है ये तुम्हारे 12th का का सिलेबस पार्ट नहीं है एग्जैक्टली exactly, क्योंकि तुम ये नाइन्थ में पढ़कर आए हो हमारा एक चैप्टर होता है ना रशियन रेवोल्यूशन तो उसमें हमने ये पढ़ रखा है। अब ये जो क्रांति थी ये जो रेवोल्यूशन था इसमें लोग सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर्ड थे लोगों को सोशलिज्म अच्छा लगता था लोगों को कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी पसंद नहीं था तो सोशलिज्म में बेसिकली क्या होता है गवर्नमेंट ओन करती है सब कुछ और कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट ओनर ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट का रोल कम होता है तो इस रेवोल्यूशन में कहा जाता है कि सोशलिज्म बेटर है और हमें एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है एगेलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सारे लोग बराबर हैं ये हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में ही सबसे बड़ा अटेम्प्ट था जहां पर लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाने की कोशिश कर रहे थे और इक्वालिटी को ऊपर रख रहे थे इन डूइंग सो तो ऐसे में सोवियत सिस्टम में क्या चल रहा था स्टेट को गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी जाती थी प्राइवेट ओनर्स को या प्राइवेट ओनरशिप को एंकरेज नहीं करा जाता था ठीक है अब सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी और कोई और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर थी ही नहीं ओपोजिशन पार्टी या कोई और पार्टी यहाँ पर अलाउड नहीं थी एंड यहाँ की इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और क्या कह रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज

तो यूएसएसआर में जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम इन सारे कंट्रीज में भी लगा दिया जाता है तो वो सारी कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर्स थे उन सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं या फिर उन सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है ये सारे देश आपस में कनेक्टेड कैसे थे एक मिलिट्री अलायंस के साथ जिसको हम कहते हैं पैक्ट ठीक है एंड ये जो उनका पूरा ग्रुप था इन सारे कंट्रीज का ग्रुप था इन कंट्रीज का लीडर कौन था यूएसएसआर इन लोगों का लीडर था नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब सोवियत यूनियन बहुत बड़ा एक ग्रेट पावर बन जाता है पूरे वर्ल्ड में ही एंड सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज थी उन सबसे ज्यादा डेवलप्ड था सोवियत यूनियन का इकोनॉमी तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को सिर्फ यूएसए टक्कर दे पाता था उस टाइम पर तो अभी थोड़ी सी सोवियत यूनियन की तारीफ कर रखी है वो पढ़ लेते हैं तो क्या बढ़िया था उस टाइम पर सोवियत यूनियन में इनके यहाँ पर कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत बढ़िया था काफी सारे एनर्जी रिसोर्सेस जैसे कि ऑयल आयरन एंड स्टील मशीनरी प्रोडक्शन ये सब था इनके पास ट्रांसपोर्टेशन इनका बहुत बढ़िया था तो ये सारी चीजें सोवियत यूनियन में काफी सही चल रही थी ठीक है इनके यहां पर इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि ये छोटे से छोटे पिन से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक सब कुछ ये सोवियत यूनियन में ही बना लेते थे पर आपको बताया जा रहा है कि ये लोग सब कुछ बना तो ले लेते थे पर इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी यूएसए के प्रोडक्ट्स के क्वालिटी जितनी बढ़िया नहीं होती थी नेक्स्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन अपने लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था तो जो सिटीजन है उनको बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उनका गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी लोगों को सिटीजन्स के हेल्थ का एजुकेशन का चाइल्ड केयर का ध्यान रखा जाता था और जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चल रहा था तो सोवियत यूनियन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था बेरोजगारी नहीं थी स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट था ओके okay, तो जो भी बड़े बड़े एसेट्स uh, होते हैं उनको गवर्नमेंट ओन करती थी प्राइवेट ओनरशिप सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में एंकरेज नहीं किया जाता जैसे लैंड हो गया एग्रीकल्चर हो गया ये सब गवर्नमेंट ओन किया करती थी तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सही था पर फिर टाइम के साथ साथ सोवियत यूनियन में कुछ कुछ दिक्कतें आने लग जाती हैं सोवियत यूनियन का सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है क्या होता है समझते हैं तो द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था बहुत स्ट्रिक्ट होता चला गया ठीक है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता चला गया लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनके पास ज्यादा आजादी नहीं है डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होता चला गया लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कुछ बोल नहीं पाते थे गवर्नमेंट के खिलाफ तो अक्सर ऐसे में लोग क्या करते थे अगर इन्हें गवर्नमेंट का कुछ मजाक उड़ाना होता था तो ये जोक्स कार्टून्स ये सब बनाकर गवर्नमेंट का थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाते थे नेक्स्ट क्या है सोवियत यूनियन में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब सोवियत यूनियन को रिफॉर्म की जरूरत होती है रिफॉर्म मतलब बदलाव की जरूरत होती है क्यों होती है ने बदलाव की जरूरत यहां पर एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी बहुत लंबे टाइम से सेवेंटी इयर्स से भी ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ करे जा रही थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं थी ठीक है तो ये लोगों की सुनती नहीं थी अपने गलतियों को ठीक नहीं करती थी तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी सोवियत यूनियन में ऑन पेपर रशिया वॉज वन ऑफ द फिफ्टीन रिपब्लिक्स तो वैसे तो हम देखें तो रशिया बाकी कंट्रीज की तरह यूएसएसआर का पार्ट था है ना पर रियलिटी ये थी कि रशिया बाकी कंट्रीज को डोमिनेट करता था रशिया जो कहता था वही बाकी देशों को मानना पड़ जाता था और क्या चल रहा था कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन और यूएसए आपस में आर्म्स रेस लगा रहे थे आर्म्स रेस मतलब ज्यादा वेपन्स कौन इकट्ठा करेगा तो सोवियत यूनियन बहुत खर्चा करता था वेपन इकट्ठा करने में कभी-कभी ये यूएसए को मैच भी कर जाता था पर ये हमने डिस्कस करा कि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो सोवियत यूनियन यूएसए से पीछे था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी लोगों से यूएसए uh, के लोगों से सोवियत यूनियन पीछे था एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोवियत यूनियन में जनता की नहीं सुनी जा रही थी लोगों को धीरे धीरे लगने लग जाता है कि यार हमारी तो यहाँ पर सुनी ही नहीं जा रही नेक्स्ट क्या होता है 1979 के अराउंड सोवियत यूनियन अटैक करता है इन्वेजन करता है अफगानिस्तान के ऊपर तो इस टाइम पर सोवियत यूनियन को अपने ऊपर खर्चा करना चाहिए था लोगों का डेवलपमेंट करना चाहिए था पर जब सोवियत यूनियन इन्वेशन करता है अफगानिस्तान के ऊपर तो सोवियत यूनियन का खर्चा बढ़ जाता है सोवियत यूनियन की इकोनॉमी और खराब हो जाती है ठीक है तो धीरे धीरे लोगों की सैलरी तो कुछ कुछ करके बढ़ती जा रही थी पर फिर एक ऐसा टाइम आने लग जाता है जब टेक्नोलॉजी इनकी नहीं बढ़ रही होती प्रोडक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है ठीक है धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी गिरने लग जाती है फूड इम्पोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी तो हर साल इनका जो फूड इम्पोर्ट था दूसरे कंट्री से इन्हें खाना फूड खरीदना पड़ रहा था ठीक है फिर लेट तक आते आते इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती है फिर एक ऐसा टाइम आता है जब इनकी इकोनॉमी स्टैगनेंट पड़ जाती है स्टैगनेंट मतलब एकदम थम जाती है कोई ग्रोथ ही नहीं होता इनकी इकोनॉमी में ऐसे में आते हैं हमारे मिखेल गौरबेफ जो कि जनरल uh, सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेन हेड बनते हैं मिखेल गौरबेफ कब 1985 में अब मिखेल गौरबेफ जैसे ही लीडर बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के वो कह देते हैं कि यार हमें ना बदलाव की जरूरत है अगर हम ऐसे ही यूएसएसआर को चलाते रहे तो मतलब चीजें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी हमें रिफॉर्म रिफॉर्म यानी बदलाव की जरूरत है ठीक है फ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आ, इनको सोवियत यूनियन का लास्ट लीडर कहा जाता है एंड ये क्योंकि ये बदलाव लाना चाहते थे तो ये कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव लेकर आए थे जिसको हम पेरेस्ट्रोएका एंड ग्लासनोस्ट कहते हैं ठीक है तो इन दोनों पॉलिसीज में ये क्या कर रहे थे इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर रहे थे इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे सोवियत यूनियन के क्राइसिस को ठीक करने के लिए और क्या करते हैं मिखेल ये कहते हैं कि यूएसए के साथ आर्म्स रेस लगाना बंद कर दो बहुत खर्चा हो रहा है उसमें और क्या करते हैं ईस्टर्न यूरोप और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी उनको वापस बुला लेते हैं कि इसमें भी बहुत खर्चा हो रहा है ये जर्मनी की मदद करते हैं यूनिफिकेशन में यूनाइट होने में ये आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है और फिर इस चीज के लिए भी ये बहुत फेमस है कि इन्हीं के वजह से कोल्ड वॉर खत्म होता है अक्सर लोग इन्हें ब्लेम करते हैं कि सोवियत यूनियन तो इनके वजह से टूट गया ठीक है तो ये जरा समझते हैं इनके बारे में और अच्छे से समझते हैं ठीक है तो मिखेल गौरबेफ क्या बोलते हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है और हम यूएसए के साथ अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इनके इरादे तो अच्छे थे पर आगे जाकर जो होता है वो शायद इन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि यार अगर हम यूएसए से बात करेंगे या अगर हम रिफॉर्म करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगा ठीक है तो इस दौरान हमने बीच में पढ़ा था ना कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाती का कंट्रोल अच्छा नहीं लग रहा तो नॉर्मली क्या होता था सोवियत यूनियन में कि जब भी लोग प्रोटेस्ट करते थे तो हम उन्हें चुप करा देते थे पर अब मिखेल गौरबेफ आ गए ये तो बदलाव की बात कर रहे हैं तो इस बार जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना तो लोगों को चुप कराने की कोशिश नहीं कराई जाती ठीक है तो जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर आप उन्हें चुप नहीं कराओगे तो क्या होगा एक एक करके जो कंट्रीज हैं वो ये बोलने लग जाती हैं कि हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना है ठीक है तो इस टाइम के अराउंड सोवियत यूनियन थोड़ा वीक पड़ने लग जाता है और क्या होता है पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल रिफॉर्म एंडाइजेशन विद इन दीज रिफॉर्म अपोज बायुनिस्ट पार्टी ठीक है वैसे तो गौरबेफ कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर थे और गौरबर शेफ बोलते हैं कि यार हमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को बदलना होगा रिफॉर्म लाना होगा पर कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लीडर्स ऐसे थे जो गौरबैफ की इन बातों को पसंद नहीं करते थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये मिखेल गौरबेफ बदलाव के बारे में बात क्यों कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ लोग साथ में मिल, मिलते हैं और एक कूप करते हैं मतलब एक मिलिट्री अपराइजिंग सॉर्ट ऑफ करते हैं 1991 में जिसमें ये लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमें रिफॉर्म वगैरह नहीं चाहिए पर इस टाइम पर क्या होता है एक नेशनल हीरो उभर रहे होते हैं एंड उनका नाम होता है बोरिस येस्ट तो बोरिस येल्स्टन क्या करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के इस कूप के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि नहीं हमें अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्स्टन वन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल बाद में आगे जाकर येल्स्टन इलेक्शंस भी जीतते हैं अब यहां से धीरे-धीरे सोवियत यूनियन और ज्यादा कमजोर पड़ने लग जाता है सोवियत यूनियन में हम देखते हैं कि पावर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ से पावर धीरे धीरे हटने लग जाती है जो कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट थी वो ऐसा सोचने लग जाती है कि अब हम खुद का देश बनाएंगे हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना इंटरेस्टिंगली सेंट्रल एशिया की कंट्रीज इस दौरान कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रही होती कि हमें सोवियत यूनियन से हटना है वहां तक ये मूवमेंट पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो दिसंबर 1991 की बात है येल्स्टिन के लीडरशिप के अंडर रशिया यूक्रेन और बेलारस ये दोनों क्या बोल ये तीनों क्या बोलते हैं कि आज से सोवियत यूनियन खत्म है आज से सोवियत यूनियन जो है इट इज डिसबैंडेड अब से हम सोवियत यूनियन को नहीं मानेंगे एंड इसी के साथ ये भी बोल दिया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग बैन कर रहे हैं लोग इस टाइम तक आते आते सोशलिज्म से थक गए थे तो ये बोल देते हैं कि भाई अब हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए हम कैपिटलिज्म को ट्राई करेंगे और हम अपने देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे इस दौरान रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना जाता था सक्सेसर मतलब अब सोवियत यूनियन तो नहीं है पर सोवियत यूनियन ने अलग अलग जगह पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं तो सोवियत यूनियन की जगह कौन ले रहा है सोवियत यूनियन की जगह ले, ले लेता है हमारा रशिया ठीक है तो जहां पर भी सोवियत यूनियन पहले काम करता था उसकी जगह अब रशिया ले लेता है ठीक है तो यहां तक एक टॉपिक खत्म हो गया है 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 नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चलो ठीक सोवियत यूनियन खत्म हो गया कैसे खत्म हुआ वो तो हमने अभी पूरी कहानी पढ़ ली पर खत्म हुआ क्यों क्या कारण था जिसके वजह से सोवियत यूनियन बिखर रहा था ये समझने की कोशिश करते हैं तो सोवियत यूनियन के अंदर इंटरनल वीकनेसेस थी सोवियत यूनियन को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलाव की जरूरत थी एक टाइम ऐसा आता है जब सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक आ जाता है, मतलब इनकी इकोनॉमी एकदम थम जाती है तो ऐसे में इन्हें बदलाव की जरूरत थी ठीक है वाई डिट दिस सिस्टम बिकेम सो वीक ये तो समझ लिया हमने कि बदलाव की जरूरत थी पर ऐसा क्या कर रहे थे ये लोग कि इनकी इकोनॉमी इतनी बेकार हो गई इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिरने लग गई वो समझते हैं तो सोवियत यूनियन ने क्या करा इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया मिलिट्री पर वेपन्स पर सोवियत यूनियन को क्या करना चाहिए था अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए था अपने डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था पर ये लोग क्या करते हैं मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये लोग इन खर्चों को संभाल नहीं पाते और इनकी इकोनॉमी डूबने लग जाती है और इस टाइम पर ना जो साधारण लोग हैं उनका नॉलेज बढ़ता जा रहा था तो सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ रही थी कि यार यूएसए में तो सारे लोग खुश हैं उनको तो डेमोक्रेसी मिल रही है हमें क्यों नहीं मिल रही डेमोक्रेसी हमें क्यों नहीं मिल रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन टूट जाता है लोगों को समझ आने लग जाता है कि वेस्ट का सिस्टम बेटर है एंड सोवियत यूनियन का सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है सोवियत यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम भी अच्छा नहीं था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का मैंने आपको बताया ना सेवेंटी ऊपर हो गए थे एक ही पार्टी वहां चली जा रही थी और ये पार्टी करप्शन करती थी लोगों की बात नहीं सुनती थी अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं थी जो साधारण लोग थे उनको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट तो उनकी सुनती ही नहीं है गवर्नमेंट सिर्फ करप्शन करती है गवर्नमेंट अपने गलतियों को ठीक नहीं करती गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है गवर्नमेंट सिर्फ अपनी चलाती है एंड एक और दिक्कत क्या थी कि जो लोग पार्टी के मेंबर्स थे ना वो हमेशा सोवियत यूनियन में ऐसा सोचते थे कि यार हम तो साधारण लोगों से ऊपर हैं हम ऑर्डिनरी सिटीजन से ऊपर हैं और ये साधारण लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे तो अब क्या होता है फिर गौरबशेफ आ जाते हैं और गौरब आकर क्या कहते हैं कि यार अब मैं सोवियत यूनियन को बदलने वाला हूं अब यहां पर हो सकता है कि कुछ बच्चों को डाउट आए कि मैम आपने बोला कि सोवियत यूनियन को बदलाव की जरूरत थी है ना तो मिखेल गौरबशेफ तो यही बोल रहे थे कि हम सोवियत यूनियन को बदलेंगे सोवियत यूनियन की इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स को बदलेंगे तो जब गौरबैफ बदलाव ला ही रहे थे तो चीजें ठीक क्यों नहीं हुई गौरबशेफ ने ये तो पहचान लिया था ना कि बदलाव की जरूरत है तो फिर भी चीजें ठीक क्यों नहीं हुई वो समझते हैं तो सोवियत यूनियन में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना है कि मिखेल गौरबशेफ कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी बदलाव ला रहे थे इसीलिए सोवियत यूनियन से वो बदलाव झिला नहीं ठीक है और कुछ लोग ऐसे हैं सोवियत यूनियन में जिनका मानना है कि मिखेल गौरबेफ बदलाव तो ला रहे थे पर बहुत धीरे धीरे बदलाव ला रहे थे इसीलिए उनके कोई प्लान वर्कआउट नहीं करे तो मिखेल गौरबेफ बेचारे एक टग ऑफ वॉर में फंस जाते हैं एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम बहुत जल्दी कर रहे हो बदलाव दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम बहुत धीरे-धीरे काम कर रहे हो, किसी ने उन्हें सपोर्ट ही नहीं दिखाया ज्यादा, तो वो ऐसे टग में फंस जाते हैं तो ये एक कारण था कि निखैल गौरबेफ ने समझ तो लिया कि भाई बदलाव लाना पर उसके बावजूद सोवियत यूनियन बच नहीं पाता और क्या दिक्कत थी नेशनलिज्म ऑफ नेशनलिज्म इस टाइम के अराउंड अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये फीलिंग बढ़ती जा रही थी कि यार हमें ना खुद का देश बनाना है हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना है तो रशिया एस्टोनिया लाथविया लिथुएनिया, यूक्रेन जॉर्जिया ये सब धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं कि हमें पार्ट नहीं रहना है यूएसएसआर का एंड फिर इस रीजन से भी सोवियत यूनियन धीरे धीरे करके बिखरने लग जाता है टूटने लग जाता है चलो ठीक है सोवियत यूनियन क्यों टूटा वो तो हमने समझ लिया अब कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब सोवियत यूनियन के खत्म होने का रिजल्ट क्या था वो समझते हैं तो सोवियत यूनियन खत्म मतलब कोल्ड वॉर खत्म यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में था कोल्ड वॉर अब उसमें सोवियत यूनियन खत्म मतलब कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया अब कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था इन दोनों देशों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था एक देश कह रहा था यूएसए कह रहा था कि भाई कैपिटलिज्म बेटर है और सोवियत यूनियन कह रहा था कि नहीं सोशलिज्म बेटर है अब अगर सोवियत यूनियन ही टूट गया तो अब हम ये मानने लगे कि कैपिटलिज्म बेटर है ठीक है और क्या था पहले वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थी सोवियत यूनियन और यूएसए अब सोवियत यूनियन टूट गया तो हम लोग मानने लगे कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है और वो है यूएसए तो हम यूएसए की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लग गए इस दौरान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे ये अलग अलग कंट्रीज को लोन देते थे एंड वहां पर कैपिटलिज्म को लेकर आते थे ठीक है और क्या होता है जब सोवियत यूनियन टूटता है तो बहुत सारी नई कंट्रीज बनती हैं। पहले क्या था ये सारी कंट्रीज साथ में जुड़ी हुई थी और सोवियत यूनियन का पार्ट थी अब सोवियत यूनियन टूट गया तो ये सारी कंट्रीज खुद का देश बनाते हैं ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनाते हैं एंड इनमें से हर एक कंट्री का खुद का कल्चर होता है खुद के गोल्स होते हैं ठीक है खुद की एक पहचान होती है नेक्स्ट शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनि पोस्ट कम्युनिस्ट रेजीम्स तो अब क्या होता है सोवियत यूनियन की जितनी कंट्रीज थी वो कहती हैं कि सोशलिज्म तो हमारे लिए चल नहीं रहा तो हम सोशलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे सोशल Social, सोशलिज्म की जगह अब हम कैपिटलिज्म को अपना कर देखेंगे तो ये जो बदलाव आ रहा था रशिया सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज में ये जो बदलाव आ रहा था कि भाई अब हम सोशलिज्म नहीं अपनाएंगे अब हम कैपिटलिज्म को लेकर आएंगे इस ट्रांजिशन इस बदलाव को हम कहते हैं शॉक थेरेपी ठीक है तो जब शॉक थेरेपी चल रहा था इन देशों में इनसे बोला जाता था कि भाई तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है या तो तुम सोशलिज्म अपनाओ या तुम कैपिटलिज्म अपनाओ अब इन सारी कंट्रीज ने सोशलिज्म तो देख लिया ये लोग सोशलिज्म से खुश नहीं थे तो ये कहते हैं कि चलो यार ठीक है हम अपने देश में कैपिटलिज्म लगाकर देखेंगे तो क्या होता है शॉक थेरेपी में ना बहुत तेजी से बदलाव लेकर आते हैं ये इन कंट्रीज में एंड बेसिकली इन कंट्रीज से ये बदलाव झेलता नहीं है तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत तेजी से बिगड़ने लग जाती है तो शॉक थेरेपी में इनका प्लान होता है कि हम इकोनॉमी को बेटर बनाएंगे ठीक है हम और ज्यादा ट्रेड करेंगे फ्री ट्रेड भी लेकर आएंगे ताकि सोवियत यूनियन की कंट्रीज अच्छे से डेवलप कर पाए ये लोग आ, क्या करते हैं जो पहले का इनका सारा सिस्टम था ट्रेड अलायंस था वो सब तोड़ देते हैं अब ये वेस्ट के कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी यूएसए के जो टीम के कंट्रीज थे उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं शॉक थेरेपी का रिजल्ट क्या रहा वो समझते हैं तो शॉक थेरेपी में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको गवर्नमेंट कंट्रोल से हटा दिया जाता है एंड ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे इनको सेल में डाल दिया जाता है कि अब प्राइवेट ओनर्स खरीद सकते हैं इन इंडस्ट्रीज को तो ये जो इतना बड़ा सेल चल रहा था इतने सारे इंडस्ट्रीज का दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री हिस्ट्री में ही इतिहास में ही सबसे बड़ा सेल था ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का एंड इस दौरान बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे दामों में बेचा जा रहा था जो सिटीजन्स थे वहां के उनको वाउचर्स भी मिले थे उन्हें एनकरेज करने के लिए कि आप इन इंडस्ट्रीज को खरीद लो पर इतनी बेकार इकोनॉमी थी उस टाइम पर कि ये जो सिटीजन्स थे इन्होंने ब्लैक मार्केट में जाकर इस वाउचर को बेच दिया और वाउचर के बदले कुछ पैसे उठा लिए इन्होंने सोचा इंडस्ट्री खरीद के क्या करेंगे इससे अच्छा वाउचर को बेचेंगे कुछ पैसा मिल जाएगा खाना वाना खा लेंगे इस दौरान रशिया की जो करेंसी थी रूबल रशिया के करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से गिरने लग जाती है और 1999 में जो रशिया की जीडीपी थी वो रशिया के 1989 के जीडीपी से भी कम थी मतलब कुछ दस साल पीछे चला गया रशिया जीडीपी के मामले में ठीक है अब ये जो नया सिस्टम आ रहा था कैपिटलिज्म जब ये लोग लेकर आ रहे थे सोवियत यूनियन के कंट्रीज में तो इससे सोशल वेलफेयर पूरा हट गया पहले क्या होता था गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी सब कुछ तो गवर्नमेंट तो गरीब लोगों का सबका ध्यान रखती थी सिटीजन वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती थी पर अब शॉक थेरेपी आ आ जाता है, आ जाता है है कैपिटलिज्म तो सिटीजेंस के वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता अब इस दौरान कंट्री में कोई प्रॉपर लीडर नहीं था कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं थी तो माफिया हर जगह माफिया जो होते हैं ये लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाकर कंट्री में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने लग जाते हैं नेक्स्ट ये जो शॉक थेरेपी था शॉक थेरेपी में ये लोग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो ला रहे थे इकोनॉमी को तो बदलने की कोशिश कर रहे थे पर ये डेमोक्रेसी के ऊपर काम करना भूल जाते हैं रशिया जैसी जो कंट्रीज थी वो बहुत जल्दबाजी में अपना संविधान बनाते हैं जैसे अगर हम रशिया की बात करें तो ये लोग इतनी जल्दबाजी में अपना संविधान बनाते हैं कि ये अपने प्रेसिडेंट को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग कर देते हैं अपने प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे देते हैं सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो यहां पर भी ऐसा था प्रेसिडेंट्स को बहुत ज्यादा पावर दी जाती थी जैसे कि अगर हम तुर्कमेनिस्तान और उस के के प्रेसिडेंट्स बारे में बात करें तो इन्होंने लगातार 10 इयर्स तक ये प्रेजिडेंट रहे एंड टेन ईयर जब खत्म हुआ तब इन्होंने कहा कि अब आगे आने वाले और दस साल तक हम लोग प्रेजिडेंट रहेंगे नेक्स्ट टेंशन एंड कंफ्लिक्ट तो ऐसा नहीं था कि जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ और जब ये नए नए देश बन रहे थे तो सब बहुत नॉर्मल नहीं था बहुत बहुत चिल नहीं था। इस दौरान सारे कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े चलते रहते थे जैसे रशिया में ना दो ग्रुप्स थे चेकनिया और दागिस्तान ठीक है तो ये लोग ससेशनिस्ट मूवमेंट करते रहते थे वायलेंस करते रहते थे एंड मॉस्को के लोग इन लोगों के ऊपर वायलेंस करते थे इन लोगों को चुप कराने के लिए मिलिट्री भेज देते थे बॉम्बिंग करा देते थे ह्यूमन राइट्स को एकदम भूल जाते थे तो रशिया में तो ये दिक्कत चल रही थी सेंट्रल एशिया में इस इस पॉइंट से बहुत एमसीक्यू बनते हैं ठीक है सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां पर तो लगभग दस साल तक सिविल वॉर ही चलता रहता है ठीक है अजहरबेजान में एक इलाका था नगोरनो काराबाक नाम से यहाँ पर कुछ लोकल अर्मेनियंस जो थे वो कह रहे थे कि हमें अजरबैजान छोड़ना है और हमें जाकर अर्मेनिया को ज्वाइन कर लेना है जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया में दो इलाके थे जो कह रहे थे कि हमें आजाद होना है इंडिपेंडेंट होना है बाद में यहां पर सिविल वॉर भी होता है यूक्रेन किर्गिस्तान इन सारे एरियाज में भी ये इशू होता है नेक्स्ट अलग अलग कंट्रीज रिवर वॉटर को लेकर बहुत लड़ रहे थे झगड़ रहे थे तो इस दौरान ऑर्डिनरी सिजन को भी लगता था कि पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी तो नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इनके पास ना रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं जिन्हें यूज कर कर आज के टाइम पे तो ये अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं ठीक है तो सेंट्रल एशिया एक ऐसा इलाका है जहां पर ऑयल कंपनीज के बीच में कंपटीशन बहुत है सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वो रशिया चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान इन सारे वेस्ट एशिया के भी पास है तो 9/11 के बाद क्या होता है यूएसए सेंट्रल एशिया में मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करती है तो ये चीज रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि सेंट्रल एशिया तो हमारे पास पड़ता है सेंट्रल एशिया में तो हमारा इन्फ्लुएंस है यहां पर यूएसए आने की कोशिश क्यों कर रहा है ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो चेकोस्लोवाकिया जो एरिया है ये दो हिस्सों में बट जाता है ठीक है एंड चेक्स एंड स्लोवाक्स ये दोनों अपने लिए एक इंडिपेंडेंट देश बना लेते हैं जो बाल्कन एरिया है बाल्कन एरिया के बारे में अगेन आपने टेंथ में पढ़ रखा है बाल्कन एरिया में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं तो 1991 के बाद यहाँ पर क्रोएशिया स्लोवेनिया बोस्निया ये सारी कंट्रीज बोल देती हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ठीक है और यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनको हम सर्ब्स कहते हैं सर्ब्स इस चीज के खिलाफ थे और सर्ब्स क्या कर रहे थे जो भी नॉन सर्ब्स थे ऐसे लोग जो सर्ब्स नहीं थे वो उन लोगों को मार रहे थे मैसेकर कर रहे थे बीच में नाटो बीच में आकर बोलता है एंड फिर यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह भी होती है सिविल वॉर का भी एक माहौल क्रिएट हो जाता है तो ये सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे नेक्स्ट इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज ये समझते हैं तो इस टॉपिक में बेसिकली आपको ये समझाया जाएगा कि इंडिया इंडिया और रशिया रशिया का का रिलेशन रिलेशन कैसा है है एंड बहुत एक प्यारा रिलेशन रहा हमारा एक कल्चरल कनेक्ट भी है जैसे आप देखोगे कि हमारे जो इंडियन हीरोज हैं राज कपूर अमिताभ बच्चन इन सब का नाम रशिया के लोगों को पता है ये लोग हमारी मूवीज देखते हैं हमारे गाने सुनते हैं ठीक है इन्हें हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पता है तो एक कल्चरल कनेक्ट है इंडिया एंड रशिया के बीच में इंडिया एंड रशिया का विजन भी सेम है ठीक है हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बातचीत करके हम सुलझाएं हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं हर कंट्री के लिए हम यूनाइटेड नेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं इंडिया एंड रशिया के बीच में कुछ अराउंड 80 एग्रीमेंट्स हैं इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो है ये टू में साइन किया गया था एंड इंडिया को काफी फायदा मिलता है इंडिया रशिया के रिलेशन से ठीक है जैसे कश्मीर के इशू में रशिया हमें सपोर्ट करता है हमें एनर्जी सप्लाईज मिलते हैं रशिया से टेरर इंटरनेशनल टेररिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हैं रशिया से अगर हम दोस्ती रखेंगे तो हमें सेंट्रल एशिया एक्सेस करना आसान होगा चाइना के पावर को भी बैलेंस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा रशिया को हमसे क्या फायदा है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए इंडिया की मिलिट्री जो है वो ज्यादातर अपना हार्डवेयर रशिया से खरीदती है इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है इससे भी रशिया को बहुत ज्यादा मदद मिलती है जब भी कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है तब भी रशिया ने हमारी हेल्प करी है ठीक है और इंडिया का प्लान भी है कि आगे जाकर एनर्जी इंपोर्ट्स हम रशिया से लेना और ज्यादा बढ़ाएंगे

टाइम स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी क्लैपिंग करो और एक मिनट मैं जरा कमेंट्स लगा लूं और देख लू कि क्या तुम लोग हो अब भी मैराथन में या थक गए हाँ ठीक है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें रेडी है सब लोग सुपर फन शाल्वी शाल्वी थैंक यू सो मच हाँ क्लियर है भूमि यशस्वी क्लियर ओके okay. चलो सम्राट हेलो आगे बढ़ते हैं हाँ चैप्टर खत्म ओके तो यार आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को रूल तो पता ही है है ना जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो फिर हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक चैप्टर खत्म हो गया छह और चैप्टर वो भी हम खत्म कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेडी ठीक हाँ। है यार मुझे फायर इमोजी कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, दिखने चाहिए तभी होगा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हाँ, जब तक तुम लोग फायर इमोजी डाल रहे हो मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूं ठीक है फिर कहते हैं स्टार्ट Okay. अरे वाह यार कितना तो सुंदर लग रहा है कॉमन सेक्शन ठीक है चलो यार स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है कंटेम्प्री सेंटर्स ऑफ पावर ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से सुनना एनसीईआरटी साइड में रखो ठीक है सुनते जाओ तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि धीरे धीरे शायद इस पोजीशन में आ जाएं कि ये USA को टक्कर दे सकते हैं तो यूरोपियन यूनियन आशियान जापान के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ठीक है चाइना कितनी तेजी से डेवलप ये हो रहा है ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है इस दौरान बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके दिमाग में चल रहा था क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्वेश्चन ऑफ यूरोप मतलब कि अब आगे हम यूरोप का क्या करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया यूरोप की इकोनॉमी एकदम खत्म हो गई है तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि क्या हम यूरोप को अपने पुराने तरीकों से चलाएं या क्या हम यूरोप में कोई बदलाव लेकर आए कुछ नया करके देखें ठीक है तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है मैं आपको बार बार बताती हूँ कि यार वॉर में कोई नहीं जीतता वॉर में सबका नुकसान होता है तो यूरोप के ज्यादातर जो कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी एकदम खत्म हो गई थी उनके सारे स्ट्रक्चर्स सारे अजम्पन सब कुछ खत्म हो गया था यूरोप में ठीक है तो ऐसे में क्या होता है यूएसए पहुंच जाता है यूरोप की मदद करने के लिए तो अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प देता है यूरोप को और एक प्लान लेकर आता है जिसे हम कहते हैं मार्शल प्लान अगर बहुत ही आसान शब्दों में मार्शल प्लान को समझाऊं तो मार्शल प्लान में बेसिकली अमेरिका यूरोप को लोन दे रही थी ताकि यूरोप अपने आप को रीबिल्ड कर सके ठीक है तो इस दौरान यूएसए एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं ठीक है नाटो के अंदर यूएसए कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाता है और मार्शल प्लान के अंदर ओ बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कॉपरेशन जो कि 1948 में बना था, जैसा नाम से लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम यूरोप की कंट्री से बोल रहे थे कि आप इकोनॉमी के मामलों में साथ में मिलकर काम करो ठीक है फिर इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग ईयर में कुछ कुछ होता है जिस कुछ कुछ एस्टेब्लिश होता जाता है कुछ कुछ ग्रुप्स बनते जाते हैं जिसके थ्रू यूरोप के कंट्रीज और अच्छे से मिलजुल कर काम करने लग जाते हैं जैसे कि 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया जाता है जिससे पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ने लग जाता है यूरोप में 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है तो ये भी एक स्टेप लिया था यूरोप की कंट्रीज ने अपने इकोनॉमी को और बेटर बनाने के लिए नेक्स्ट क्या होता है यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया जाता है जिसमें पॉलिटिक्स के मामले में यूरोप की कंट्रीज कॉपरेट करना स्टार्ट करती हैं, एंड फिर 1992 में हमारा यूरोपियन यूनियन बनता है यूरोपियन यूनियन के बारे में ही ईयू के बारे में ही हमें पढ़ना है ठीक है तो ईयू की अगर हम बात करें तो ईयू ये सोचकर बनाया गया था कि यूरोप की जो सारी कंट्रीज हैं वो सेम फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो करेंगे ठीक है और वो एक सिंगल करेंसी को फॉलो करेंगे नेक्स्ट क्या होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ईयू ये सोचकर बनाया गया था कि ये एक इकोनॉमिक यूनियन होगा पर आगे जाकर ये पॉलिटिकल यूनियन भी बन जाता है यूरोपियन यूनियन ने बीच में कोशिश करी थी संविधान बनाने की पर वो नहीं बना पाते वो इस अटेम्प्ट में फेल हो जाते है. कोई बात नहीं इनके पास संविधान तो नहीं है इनके पास खुद का झंडा है खुद का फ्लैग है खुद का एंथम है फाउंडिंग डेट है और एक कॉमन करेंसी भी है तो ये कार्टून है जिससे यूरोपियन यूनियन को मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कि जैसे टाइटैनिक डूब गई थी ना वैसे ही यूरोपियन यूनियन की संविधान बनाने की कोशिश भी फेल हो गई डूब गई ठीक है नेक्स्ट ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ओके okay? तो आप देखोगे आपने फ्लैग को देखा होगा है ना तो ये जो फ्लैग है ये यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज के बीच में यूनिटी का सिंबल है ठीक है आप देखोगे कि जो गोल्ड स्टार्स हैं उनको ब्लू बैकग्राउंड में लगा रखा है सर्कल शेप में लगा रखा है तो ये यूनिटी सॉलिडारिटी एंड हार्मनी का साइन है यूनिटी मतलब एकता सॉलिडारिटी एंड हार्मनी मतलब साथ में मिलजुल कर काम करना ठीक है और इसमें बारह स्टार्स लगा रखे थे तो 31 दिसंबर 1994 में यूरोपियन यूनियन में 12 कंट्रीज थी बेल्जियम डेनमार्क जर्मनी आयरलैंड ग्रीस स्पेन फ्रांस इटली ल्यूक्मबर्ग नेदरलैंड पोर्चुगल और यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो ये सारी कंट्री सोचती हैं कि हम सेम फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो करेंगे आपस में कॉपरेट करेंगे इन्होंने ये भी कोशिश करी कि ये यूरोपियन यूनियन में नई कंट्रीज को लेकर आए जैसे जब सोवियत यूनियन टूट जाता है तो बहुत सारी नई कंट्रीज बनती है ना तो ये कोशिश करते हैं कि नए कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाए पर ये इतना आसान नहीं था काफी सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे चलो तो यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी के मामले में पॉलिटिक्स के मामले में और मिलिट्री के मामले में काफी स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग है कैसे स्ट्रांग है वो समझते हैं तो वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन 2016 में इनकी जीडीपी कितनी थी 17 ट्रिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा थी जो कि यूएसए के बाद सबसे ज्यादा इनकी है इनका जो कॉमन करेंसी है वो है यूरो और यूरो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है ये डॉलर को भी डॉलर को भी टक्कर दे सकता है वर्ल्ड ट्रेड के मामले में यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट से भी अच्छा चल रहा है ठीक है और आ, इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर क्योंकि इकोनॉमिक पावर इतना ज्यादा है यूरोपियन यूनियन का तो यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस एशिया और अफ्रीका में भी है इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डब्ल्यू हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया यहाँ पर भी यूरोपियन यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम पॉलिटिकल रोल डिस्कस करें यूरोपियन यूनियन का तो यूरोपियन यूनियन में एक फ्रांस तो के थ्रू यूएनएससी को भी इंफ्लुएंस कर सकता है तो परमानेंट देश तो है ही फ्रांस उसके अलावा बहुत सारे नॉन परमानेंट कंट्रीज भी है जो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है और यूएनएससी का भी पार्ट है तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन के ऊपर विश्वास रखता है कि बातचीत करके चीजों को सॉल्व करो ठीक है इन्होंने चाइना से भी बात कर रखी है कि आप अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स को देखो आप अपने यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करना बंद करो इनकी मिलिट्री को समझने की कोशिश करते हैं अगर हम यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के मिलिट्री को जोड़ दें तो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है इनकी पूरे वर्ल्ड में यूएसए uh, के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा यही लोग करते हैं यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है फ्रांस फ्रांस अपने फ्रांस के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है एंड स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी यूरोपियन यूनियन बहुत बढ़िया चल रहा है ठीक है तो यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी पॉलिटिक्स मिलिट्री इन सारी चीजों में बढ़िया चल रहा है यहाँ तक सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मे बी यूरोपियन यूनियन परफेक्ट है पर ऐसा नहीं है यूरोपियन यूनियन में भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं ठीक है जैसे एक टाइम था ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ही पार्टनर इन इराक वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे कि चलो इराक इन्वेजन करते हैं पर उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो इस इराक इन्वेजन को एंकरेज नहीं करते थे तो इससे बस ये दिखाया जा रहा है कि हर बार यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज साथ में काम नहीं करती कभी कभी इनके सोच विचार आपस में भिड़ भी जाते हैं ठीक है ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं यूरोस्केप्टिज्म बहुत ज्यादा है यूरोस्पटिज्म मतलब यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज करना किसी चीज को लेकर एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर उन्होंने ये ओपनली बोल दिया था कि वो यूके को यूरोपियन मार्केट का हिस्सा नहीं बनाने वाली हैं। डेनमार्क और स्वीडन मैस्ट्रिक ट्रीटी को साइन ही नहीं करना चाहते थे मैस्ट्रिक ट्रीटी वो ट्रीटी है वो एग्रीमेंट है जिसके आधार पर पूरा यूरोपियन यूनियन बना है डेनमार्क एंड स्वीडन यूरो को कॉमन करेंसी बनाने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इन सबकी आपस में बनती है ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं यूरोपियन यूनियन हो गया आशियान के बारे में समझते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था और उससे पहले भी अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के कंट्रीज बहुत परेशान थे कोलोनियलिज्म से कोलोनियलिज्म मतलब अलग अलग कंट्रीज ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा था फिर जब इन्होंने इन कंट्रीज को भगाया तो क्या हुआ यहां पर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटिशर्स को भगाया पर उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें थी जो हम अपने देश में सॉर्ट कर रहे थे ठीक है तो ऐसे में क्या था यहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते थे बीच बीच में बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ जिसके थ्रू एशिया के कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली क्या होता है आशियान बनाया जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जहां पर साउथ ईस्ट एशियन नेशन साथ में मिलकर काम करते हैं 1967 में बना था आशियान एंड उस टाइम पर पांच कंट्रीज थी इस रीजन में इंडोने जिन्होंने ये साथ में मिलकर बनाया था इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड इन्होंने बैंकॉक डेक्लेरेशन साइन करके आशियान बनाया था तो आशियान की अगर हम बात करें इनका मेन मकसद क्या है कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट इन्हें लेकर आना है ये लोग चाहते हैं कि इनके इलाके में शांति बनी रहे ये यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना चाहते हैं आगे जाकर और भी कंट्रीज इन्हें ज्वाइन कर लेती हैं जैसे कि वियतनाम म्यांमार कंबोडिया फिर फाइव की जगह इनकी स्ट्रेंथ टेन हो जाती है तो यूरोपियन यूनियन तो पॉलिटिक्स में भी बहुत बोलता है ना पर आसियान कि अगर हम बात करें तो वो पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इन्वॉल्व रहता है और इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा इनका फोकस रहता है के के कंट्रीज कहते हैं हैं कि ये लोग वे वे ऊपर विश्वास रखते हैं। वे एक इनफॉर्मल तरीका है जिससे ये लोग बात करते हैं कॉपरेट करते हैं आपस में मिलजुल कर काम करते हैं ये ऐसा भी कहते हैं कि आसियान के जो देश हैं ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के सोवर्निटी के ऊपर विश्वास रखते हैं एंड आशियान में जो कंट्रीज हैं, वो ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है ठीक है नेक्स्ट 2003 में क्या होता है आसियान कम्युनिटी तीन पिलर्स बनाता है मतलब आसियान तीन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है एक है आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी एक है आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और एक है आशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जैसा नाम से लग रहा है इनका काम ऐसा ही था जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कम्युनिटी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती थी नेक्स्ट ये आशियान फ्लैग का एक इमेज है तो आप देखोगे की आशियान फ्लैग में ये बीच में ना पैडी बनाने की कोशिश करी है और टेन लाइन है ठीक तो है तो टेन लाइंस क्यों है टेन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करा जा रहा है और ये जो फ्लैग है ये फ्रेंडशिप का सिंबल है सोलिडारिटी साथ में मिलजुल कर काम करने का सिंबल है तो ये कुछ चीजें याद रखना यूनिटी एकता का सिंबल है ठीक है आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये लोग क्या मानते हैं कि आसपास जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अलग अलग देश टेरिटरी को लेकर जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं उनको बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट 2003 तक आते आते आशियान ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनाए जिसके थ्रू ये पीस कॉपरेशन इन सबको एंकरेज कर रहे थे आशियान रीजनल फोरम बनाया जाता है 1994 में जहां पर ये सारे कंट्रीज को एंकरेज कर रहे थे कि हम सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के मामले में मिलजुल कर काम करेंगे का फोकस आज भी इकोनॉमिक चीजों के ऊपर ज्यादा है अगर हम आसियान को यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ कंपेयर करें तो आसियान इनके मामले में काफी छोटा है पर आशियान में जो कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेन मकसद क्या था एक कॉमन मार्केट बनाना जहां पर आसियान की कंट्रीज साथ में मिलजुल कर एक प्रोडक्शन बेस बना पाए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए ठीक है नेक्स्ट इकोनॉमिक कम्युनिटी करने से बनाने से क्या होगा आसियान का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको भी ये लोग बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आसियान एफटीए बनाना चाहता है एक फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहता है जहां पर आसियान की कंट्रीज साथ में मिलजुल कर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं यूएसए एंड चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है आसियान के एफ को लेकर फ्री ट्रेड एरिया को लेकर आसियान बहुत तेजी के साथ ग्रो करता जा रहा है इनका विजन 2020 क्या था टू हैव मोर आउटवर्ड लुकिंग रोल इनका 2020 में ये विजन था कि आशियान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और मिलजुल कर काम करना चाहिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं दिस बिल्स ऑन एग्जिस्टिंग आशियान पॉलिसी टू एंकरेज नेगोशिएशन ये लोग नेगोशिएशन में विश्वास रखते हैं बातचीत करने में विश्वास रखते हैं लड़ाई झगड़ों के ऊपर विश्वास नहीं रखते इन्होंने बीच बीच में कोशिश भी करी है अलग अलग कंफ्लिक्ट्स के बीच में कहने की तो कंबोडियन uh, कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था ईस्ट क्राइसिस जब चल रहा था, इन सारे चीजों में इन्होंने अपना ओपिनियन रखा है द करेंट इकोम इट्स इकोनॉमिक रेलिवेंस एज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी सच एज इंडिया एंड चाइना मेक दिस एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन तो आशियान की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनने के कंटेक्ट में आसियान की कंट्रीज बहुत बढ़िया है अलग अलग कंट्री का अक्सर प्लान रहता है कि हम आसियान के कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे अटेंशन टू आसियान जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब हमने आसियान के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा पर रिसेंटली हमने अपनी इस गलती को ठीक करने की कोशिश करी है हमने मलेशिया सिंगापुर एंड थाईलैंड जैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे हैं आशियान और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बना था और वो 2010 से इफेक्ट में भी आ चुका है तो यूरोपियन यूनियन हो गया आशियान हो गया नेक्स्ट चाइना के बारे में समझते हैं ठीक है तो चाइना भी बहुत तेजी से ग्रो करे जा रहा है चाइनास इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 हैज बीन लिंक्ड टू इट्स राइज़ एज अ ग्रेट पावर चाइना आज के टाइम पे एक बहुत पावरफुल कंट्री है एंड इसके पीछे ये कारण है कि 1978 के बाद ये लोग अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो करे जा रहे हैं चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है ठीक है और हमारे अंदाजे से 2040 तक चाइना यूएसए को पीछे छोड़ देगा यूएसए से भी आगे निकल जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी चाइना में ऐसा क्या है कि ये लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है इनके पास पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा जमीन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका बढ़िया है ठीक है तो बीच में क्या था यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था 1949 की अगर हम बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ इकोनॉमी करेंट रेवल्यूशन होता है मतलब सोशलिज्म को ये लोग अपना रहे होते हैं ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग सोचते हैं कि हम बाहर के कंट्रीज के साथ कोई लिंक नहीं रखेंगे हम अपने कंट्री के ऊपर चाइना के ऊपर फोकस करेंगे तो चाइना बाकी कंट्रीज के साथ कैपिटलिस्ट दुनिया के साथ अपने रिश्ते तोड़ लेता है और अपने रिसोर्सेस के ऊपर ध्यान देता है कुछ टाइम ऐसा भी था जब सोवियत यूनियन चाइना को एडवाइस देता था कि तुम कैसे ग्रो कर सकते हो तो इस दौरान चाइना सोवियत यूनियन की स्ट्रेटेजी को अपना रहा था यहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे और सब कुछ स्टेट ओन था गवर्नमेंट ओन करती थी एग्रीकल्चर को भी ठीक है नेक्स्ट क्या होता है

इस टाइम पर सिटीजन्स भी काफी खुश थे चाइना में चाइना का ध्यान रख रहा था को एजुकेट कर रहा था के हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता था पर एक दिक्कत थी चाइना के साथ इस टाइम पर चाइना की इकोनॉमी कुछ अराउंड फाइव टू सिक्स परसेंट के रेट में ग्रो कर रही थी जो कि अच्छा नंबर है पर चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो ये नंबर कम पड़ जाता है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर हमें कम लगने लगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक टाइम ऐसा आता है जब चाइना को लगता है कि यार पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है पर एग्रीकल्चर तो उस हिसाब से हो ही नहीं रहा है तो चाइना सोवियत यूनियन के मॉडल को फॉलो कर रहा था पर हमने पहले चैप्टर में तो पढ़ा है कि सोवियत यूनियन खुद अपने मॉडल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता और सोवियत यूनियन बिखरने लग जाता है तो सेम दिक्कत चाइना के साथ भी आती है सोवियत यूनियन के ही तो सिस्टम को फॉलो कर रहा था चाइना तो चाइना को भी सेम दिक्कतें आने लग जाती हैं जो सोवियत यूनियन में चल रहा था इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम पड़ने लग जाता है इंटरनेशनल ट्रेड ये लोग ज्यादा कर नहीं रहे थे इनकी ओवरऑल नेशनल इनकम भी कुछ खास नहीं चल रही थी ऐसे में नाइनटीन में चाइना के लीडर्स डिसाइड करते हैं कि चाइना अपना चाइना ने सारे रिश्ते तोड़ रखे थे ना कैपिटलिस्ट कंट्रीज से तो चाइना 1970s में सोचता है कि यार बहुत हुआ अकेले हमसे काम नहीं होगा बाकी कंट्रीज से रिश्ते अपने ठीक करते हैं इसी के चलते 1972 में यूएसए एंड चाइना के रिलेशन थोड़े थोड़े ठीक होने लगते हैं जू एनलाई एक लीडर आते हैं यहां पर जो फोर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं वो कहते हैं नाइनटीन में कि चाइना में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को मॉडर्न करने की जरूरत है 1978 में एक लीडर आते हैं देंग जो कि ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि अब चाइना के दरवाजे खुले हैं अगर कोई देश चाहे तो वो चाइना में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्या होता है देखो चाइना और सोवियत यूनियन में एक फर्क है सोवियत यूनियन शॉक थेरेपी को अपनाता है बहुत तेजी से कैपिटलिज्म को ये लोग अपनाने लगते हैं जो उनकी इकोनॉमी से झिलता नहीं है चाइना वो गलती नहीं करता चाइना स्टेप बाय स्टेप अपने इकोनॉमी के ऊपर काम करता है तो चाइना बहुत धीरे धीरे कैपिटलिज्म को अपनाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को इन्होंने प्राइवेट करा नाइनटीन में फिर इंडस्ट्रीज को इन्होंने बहुत साल के बाद 1998 में इन्होंने प्राइवेट करा ट्रेड बैरियर्स को ये कम करते हैं पर ऐसा नहीं है कि पूरे चाइना में ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं चाइना के कुछ इलाकों में ट्रेड बैरियर हटा दिए जाते हैं ताकि कंट्रीज आकर चाइना में इन्वेस्टमेंट कर पाए तो चाइना का ये जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी था इस पॉलिसी के वजह से चाइना अपना बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट कर पा रहा था जैसे एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन होता है चाइना में खेती अच्छे से होने लगती है रूरल एरिया जो है गांव वाला जो एरिया है वहां पे लोगों का Uh, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी बढ़ती गई इनके यहाँ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर भी जब ज्यादातर कंट्रीज चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करने लग जाती है इट हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पर चाइना के पास खूब सारा फॉरेन एक्सचेंज है खूब सारा पैसा है अब चाइना आराम से बाकी कंट्रीज में जाकर भी इन्वेस्टमेंट करता है 2001 में चाइना डब्ल्यू को ज्वाइन करता है इसके थ्रू भी चाइना बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन थोड़े ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है वाइल्ड चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव ड्रामेटिकली चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई है बहुत तेजी से बेटर हुई है पर चाइना में बहुत सारी दिक्कतें अब भी हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है कुछ अराउंड हंड्रेड मिलियन लोग हैं जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं फीमेल एम्प्लॉयमेंट मतलब औरतें जो काम करने के लिए जाती हैं उनके वर्किंग कंडीशन बहुत ही बेकार है यूरोप में एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी में जो बुरा हाल होता था वुमेन का वैसे ही फीमेल एम्प्लॉयमेंट का हाल चल रहा है चाइना में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत है एनवायरमेंट का ध्यान नहीं दिया जाता करप्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर तो और इकोनॉमिक इन नहीं है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में तो ये कुछ कुछ दिक्कतें हैं चाइना हैज बिकम एन इकोनॉमिक पावर ठीक है power, ये सारी दिक्कतें तो चल ही रही हैं पर एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि चाइना आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इट हैज चाइना टू चाइनाव कंसिडरेबल इन्फ्लुनॉमी बढ़ने लगी तो चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा वैसे तो जापान यूएसए आशियान रशिया इन सब की कुछ कुछ दिक्कतें हैं चाइना के साथ पर क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो ये लोग चाइना के साथ मिलजुल कर काम कर लेते हैं चाइना ने ये कहा है कि ताइवान में जो दिक्कतें चल रही हैं चाइना और ताइवान का जो इशू चल रहा है उस इशू को चाइना सॉल्व करने की कोशिश करेगा ठीक है फ़ियर ऑफ चाइनाज आल्सो बीन मिटिगेटेड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ आशियान आफ्टर सेवन फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक है तो चाइना का ये जो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला फैक्टर है ये हमारे लिए भी कंसर्निंग है इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका आर इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर आज के टाइम पे चाइना लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसके वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि चाइना एक ग्लोबल प्लेयर है इकोनॉमी के मामले में चाइना अलग अलग एरियाज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना के बारे में समझ लिया थोड़ा सा इंडिया और चाइना के रिलेशन को भी समझ लेते हैं ठीक है तो अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपने देखा होगा हमारे हिस्ट्री बुक में कुछ कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स का जिक्र करा जाता है।, है ना तो काफी लंबे टाइम तक तो चाइना एंड इंडिया के बीच में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट uh, नहीं था ठीक है तो एट डिफरेंट टाइम्स इन चाइनाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल मंगोलिया कोरिया पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड टिबेट एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी कह रहे हैं कि हिस्ट्री में अलग अलग एरियाज मंगोलिया कोरिया इंडो चाइना का हिस्सा टिबेट का हिस्सा ये लोग मानते थे कि चलो चाइना इन लोगों के ऊपर अथॉरिटी रखता है अलग अलग किंगडम्स थे अलग अलग एम्पायर आए चाइना में पर फिर भी इंडिया एंड चाइना के बीच में बहुत लंबे टाइम तक कुछ कनेक्शन ही नहीं था ठीक है दस देर वॉज लिमिटेड पोलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन अब जब इंडिया एंड चाइना का ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं था तो पॉलिटिक्स के मामले में कल्चर के मामले में भी इंडिया एंड चाइना का ज्यादा लिंक नहीं था फिर क्या होता है बाद में जब इंडिया को आजादी मिलती है उस टाइम के अराउंड इंडिया एंड चाएन चाइना के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है ये आपको दूसरे बुक में इन डिटेल बताया जाएगा तो इस दौरान जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के साथ बहुत गहरी हमारी दोस्ती थी एक स्लोगन भी बोला जाता था हिंदी चीनी भाई भाई मतलब इंडिया एंड चाइना उतने ज्यादा क्लोज थे आपस में ऐसे में कुछ लीडर्स नेहरू जी को वॉर्न भी करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी से बोलते हैं इतनी दोस्ती मत करो चाइना से कल को क्या पता वो हमारे ऊपर अटैक कर दे पर नेहरू जी उस चीज को मानते नहीं है फिर क्या होता है धीरे धीरे हम देखते हैं कि बॉर्डर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ने लग जाते ऐसे में ही नाइनटीन में चाइना टिब्बेट के ऊपर अटैक कर देता है तो हमें तो खैर कोई लेना देना नहीं था कि चलो चाइना को जो करना है करने दो बाद में टिबेट से खबरें आने लगती है कि चाइना के लोग उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो टिबेट के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको दलाई लामा बोला जाता है हम क्या करते हैं क्योंकि टिबेट के लोग इतने परेशान हो रहे थे तो हमारी गवर्नमेंट दलाई लामा एंड उनके फॉलोअर्स को टिबेट से इंडिया ले आते हैं और इंडिया में उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं ये चीज चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आती 1962 में क्या होता है चाइना बोलने लग जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उनका है जो जबकि वो हमारा है है ना और अक्सा रीजन ये लद्दाख का एक रीजन है इस रीजन को भी चाइना क्लेम करने लग जाता है कि यार ये रीजन तो हमारा है ठीक है तो 1962 में क्या था इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं नाइनटीन वॉर भी होता है वैसे इंडिया एंड चाइना का इस इशू को लेकर फिर उसके बाद क्या होता है 1976 तक तो हमारे बिगड़ ही रहे थे ठीक है बीच बीच में हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे पर 1976 तक तो ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा था इंडिया और चाइना के रिलेशन में फिर राजीव गांधी आते हैं चाइना को विजिट करते हैं दिसंबर 1988 में उसके बाद से इंडिया एंड चाइना के रिलेशन थोड़े थोड़े ठीक होने लगते हैं और फिर थोड़ी शांति बनने लगती है हमारे बॉर्डर वाले एरिया में ठीक है कल्चरल एक्सचेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हम कॉपरेट करने लगते हैं आपस में ट्रेड करने लगते हैं इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो थर्टी परसेंट पर ईयर के रेट में ग्रो करता जा रहा है सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन तो अगर हम ये नंबर्स देखें तो उससे भी हमें आइडिया लगता है 1992 में हम लोग कुछ अराउंड 338 मिलियन जितना ट्रेड कर रहे थे 2017 तक आते आते इंडिया और चाइना 84 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करने लग जाते हैं ठीक है तो काफी मामलों में जैसे एनर्जी डील्स को लेकर भी इंडिया एंड चाइना धीरे धीरे कॉपरेट करने लगते हैं अलग अलग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया एंड चाइना का एक सिमिलर सा विजन है। इंडिया 1998 में तब हमें रिलेशंस बहुत करते हुए चीज नहीं है ठीक है तो चाइना के मिलिट्री रिलेशन बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी बढ़ते जा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं

इंडिया के लीडर्स बीजिंग जाते थे चाइना के लीडर्स दिल्ली आते थे आपस में एक दूसरे से ये लोग बातचीत करते थे डिस्कशन करते थे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी ये लोग अच्छे से काम करने लगे और धीरे धीरे एक पॉजिटिव रिलेशन बनने लगा पर अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो रिसेंटली इंडिया एंड चाइना के बीच में टेंशन थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें एक इशू तो क्या है चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में ये जो दोस्ती बढ़ रही है ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ठीक है ये भी हमें हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है और यूनाइटेड नेशन में भी क्या होता है चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है एंड इंडिया का ये मानना है कि ये लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं ठीक है और कश्मीर इशू में भी ये लोग हमें सपोर्ट नहीं देते हैं नेक्स्ट जापान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं सोनी पैनासनिक कैन सुजुकी होंडा ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये जापान के ब्रांड हैं जापान अपने हाई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जापान के पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं तो जापान को बाकी देशों से नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं इसके बावजूद जापान बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है जापान ओई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का पार्ट बनता है 1964 में ओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कंट्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जुड़ रहे हैं 2017 में ये लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है पूरे वर्ल्ड में ये ओनली एशियन मेंबर था जी का इलेवेंथ मोस्ट पॉपुलस नेशन है ये पूरे वर्ल्ड में जापान इकलौता देश है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक डिस्ट्रक्शन सहा है एंड उसके बावजूद इतना बढ़िया कम करा है ठीक है नेक्स्ट यूएन के बजट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है जापान का

नेक्स्ट साउथ कोरिया के बारे में समझते हैं तो कोरिया का जो हिस्सा है उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ठीक है तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोरियन वॉर ये सारी चीजें कोल्ड वॉर में भी इन लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें सही हैं फाइनली 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया के हिस्से यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनते हैं एंड इनमें से साउथ कोरिया ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना डेवलपमेंट करा है तो 1960s एंड 1980s के बीच में इन्होंने जो अपना तेजी से डेवलपमेंट करा इन्होंने जो इतनी तेजी से अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करा इसे इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हम कहते हैं कि इट इज मिराकल ऑन दी हैंड रिवर ठीक है मिराकल ऑन दी हैंड रिवर कहा जाता है इनके इतने तेजी से डेवलपमेंट करने के टाइम पीरियड को नेक्स्ट साउथ कोरिया भी ओईसीडी का पार्ट बनता है कब नाइनटीन में 2017 तक आते आते इनकी इकोनॉमी इलेवेंथ लार्जेस्ट थी पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर खर्चा टेंथ लार्जेस्ट है इनका पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के हिसाब से साउथ कोरिया की रैंक क्या थी 18 जो कि बहुत अच्छी रैंक है ठीक है तो क्या कारण है जिसकी वजह से साउथ कोरिया में इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है तो ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म ला रहे हैं रूरल एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ये लोग अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं गवर्नेंस के ऊपर भी ये लोग फोकस कर रहे हैं इसी के साथ बच्चों हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है दो चैप्टर खत्म हो गए बाकी के चैप्टर भी हम लोग खत्म कर लेंगे पर तब तक कंफेटी टाइम मैं थोड़ा सा कॉमन सेक्शन देख लेती हूं कि तुम लोग पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो फिर हम आगे बढ़ते हैं डन यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े बताओ जल्दी जल्दी हम्म क्लियर है यशस्वी और अनवेशा आप भी हो क्लास में हाय अनवी तबियत कैसी है ओके क्लियर ठीक है शालवी थैंक यू सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी यार ठीक है एडिशनल टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे जो भी बच्चे पूछ रहे हैं ठीक है दीदी प्लीज थोड़ा फास्ट पढ़ा तो भाई इससे फास्ट में क्या पढ़ाऊ ठीक है हम्म चलो ओके okay. आगे बढ़ते हैं अब हम ठीक है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो रूल तो तुम्हें पता ही है अगर तुम लोग रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी जल्दी कॉमन सेक्शन भर दो काफी सारे फायर इमोजी डाल दो फिर हम लोग अपना थर्ड चैप्टर देखते हैं ओके रेडी आगे बढ़े। वेलकम बेटा अभी भी मुझे बहुत कम फायर इमोजीज दिख रहे हैं जल्दी जल्दी फायर इमोजी डालो यार फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर करते हैं स्टार्ट ओके चलो बहुत बढ़िया अब मुझे काफी सारे फायर दिख रहे हैं आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ओके नेक्स्ट चैप्टर है कंटेम्प्ररी साउथ एशिया स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ठीक है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है कि साउथ एशिया होता क्या है पॉलिटिकल साइंस में जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो हम बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में बात करते हैं साउथ एशिया मतलब ये सारी कंट्रीज ठीक है तो ये मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ इंडिया श्रीलंका मालदीव्स बांग्लादेश भूटान नेपाल पाकिस्तान ये सब हमारे साउथ एशिया का पार्ट है नेक्स्ट अगर हम साउथ एशिया की जोग्राफी के बारे में बात करें तो साउथ एशिया के नॉर्थ में क्या है हिमालयाज है ठीक है और अगर आप साउथ में चले जाओ तो साउथ एशिया के एकदम साउथ में क्या है इंडियन ओशन है अगर आप वेस्ट में देखो तो साउथ एशिया के वेस्ट में क्या है अरेबियन सी है और ईस्ट के तरफ क्या है ईस्ट के तरफ बे ऑफ बंगाल है तो जोग्राफिकली भी ये एरिया बहुत यूनिक है एंड साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं वहां पर डाइवर्सिटी भी बहुत है सबका अपना अपना कल्चर है इन जनरल जब हम साउथ एशिया के बारे में जब कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम अफगानिस्तान और म्यांमार को भी गिन लेते हैं ठीक है चाइना का साउथ एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है पर चाइना को हम साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानते ठीक है अब एन में क्या है ये जो सारे कंट्रीज हैं पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल इन सब के बारे में एक एक करके कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। वो लाइने मैंने अभी यहाँ पर स्किप कर दी है क्योंकि आगे जाकर उन कंट्रीज के बारे में इन डिटेल पढ़ना ही है ठीक है तो ऐसे घबराना नहीं कि वो पैराग्राफ कहाँ चला गया वो मैंने हटा दिया क्योंकि आगे जाकर उन सारे कंट्रीज के बारे में इन डिटेल पढ़ना ही है मालदीव्स के बारे में सुन लो पर कि मालदीव्स हमारा क्या है ये एक आइलैंड नेशन है और यहाँ पर सल्तनत थी राजा का रूल था 1968 तक ठीक है उसके बाद यहां पर रिपब्लिक का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है ठीक है जून 2005 में क्या होता है मालदीव की पार्लियामेंट ये डिसीजन लेती है कि अब से ये लोग मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाएंगे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको एमडीपी कहा जाता है इस पार्टी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है मालदीव में ठीक है तो 2018 का इलेक्शन भी एमडीपी ही जीती थी ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि साउथ एशिया का जो रीजन है ना यहाँ पर कभी कुछ एरियाज में तो मिलिट्री रूल रहा है कुछ एरियाज में डिक्टेटरशिप रहा है कुछ एरियाज में राजा का रूल रहा है पर इसके बावजूद हमने देखा है कि ओवरऑल साउथ एशिया में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को पसंद करती हैं तो यही डेटा आपको यहाँ पर दे रखा है एक सर्वे करा हमने जिसमें हमें पता चला कि बांग्लादेश में 69% परसेंट ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं इंडिया में 70% परसेंट नेपाल में 62% श्रीलंका में 71% परसेंट पाकिस्तान में ये नंबर काफी कम निकला सिर्फ 37% परसेंट था नेक्स्ट अब साउथ एशिया की जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ लेते हैं ठीक है तो पहले पाकिस्तान से हम लोग शुरुआत करेंगे तो पाकिस्तान अपना पहला संविधान बनाता है एंड उसके बाद जनरल अयूब खान यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं एंड अपने आप को खुद ही इलेक्ट कराकर यहाँ के लीडर बन जाते हैं ये ठीक है फिर क्या होता है लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हम तो इस लीडर को पसंद ही नहीं करते तो ऐसे में इस लीडर को क्या करना पड़ता है हट जाना पड़ता है अपने ऑफिस को खाली करना पड़ जाता है उसके बाद एक मिलिट्री टेक ओवर होता है फिर से और इस बार मिलिट्री टेकओवर से कौन लीडर बनते हैं जनरल याया खान ठीक है अब जनरल याया खान जब लीडर थे उसी टाइम पर बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था बांग्लादेश क्राइसिस का क्या मतलब है पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था पर 1971 में बांग्लादेश खुद का एक देश बना लेता ठीक है इसके बाद क्या होता है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और जुल्फिकर अली भुट्टो लीडर बनते हैं वो 1971 से लेकर 1977 तक पावर में रहते हैं फिर क्या होता है भुट्टो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और जनरल जिया उल हक नाइनटीन में पावर में आ जाते हैं तो जनरल जिया उल हक के खिलाफ जनता आवाज उठाती है कि हम इनको पसंद नहीं करते हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए ठीक है तो हमें जनरल जियाउल हक नहीं चाहिए फिर 1988 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है एंड इस गवर्नमेंट के लीडर कौन होते हैं बेनाजीर भुट्टो ठीक है मैंने इमेजेस भी डाल रखी है आप लोगों के लिए नेक्स्ट तो बेनाजीर भुट्टो की लीडरशिप के अंडर दो पार्टीज थी जिनके बीच में कंपटीशन था एक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा था मुस्लिम लीग ठीक है तो ये डेमोक्रेसी वाला फेज पाकिस्तान में 1999 तक चलता है उसके बाद क्या होता है जनरल परवेश मुशर्रफ मिलिट्री टेकओवर कर लेते हैं यहाँ पर और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा दिया जाता है 2001 में जनरल मुशरफ क्या करते हैं खुद ही इलेक्शन करके अपने आप को प्रेसिडेंट बना देते हैं तो काफी लंबे टाइम तक पाकिस्तान में ऐसे ही आर्मी रूल चलता रहता है। फिर उसके बाद हम 2008 से देखते हैं कि पाकिस्तान में धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लगती है तो अभी हमने जो कहानी सुनी इससे हमें आइडिया लगा कि पाकिस्तान में कभी कभी डेमोक्रेसी रहता था फिर कभी कभी डेमोक्रेसी हट जाता था तो क्या कारण थे जिसके वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही थी अच्छे से वो समझते हैं तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना वहां पर मिलिट्री रिलीजियस ग्रुप्स और रॉयल फैमिलीज बड़े बड़े जमींदार उनका डोमिनेंस ज्यादा है और ये लोग मिलिट्री गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस दौरान पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में एक वॉर का माहौल रहता था तो लोगों को लगता होगा कि डेमोक्रेसी का टाइम नहीं है मिलिट्री टेक ओवर ही बढ़िया है ठीक है डेमो डेमोक्रेसी यहां पर इसलिए भी नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते उनका मानना यह है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करप्ट होते हैं सेल्फिश होते हैं उससे अच्छा है कि आर्मी के लोग हमारे देश को संभाले एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को किसी ने सपोर्ट नहीं करा कि भाई तुम डेमोक्रेसी लेकर आओ इंटरनेशनल लेवल पर भी जैसे यूएसए ने अपना फायदा देखते हुए अः कभी पाकिस्तान को बोला ही नहीं कि तुम डेमोक्रेसी लेकर आओ पाकिस्तान को यूएसए ने सपोर्ट ही करा है कि तुम कर लो अपना मिलिट्री रूल कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी ज्यादा नहीं मिला नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ये सारे रीजन्स तो थे पर हमने बार बार देखा कि जब भी कोई मिलिट्री टेक ओवर होता था पाकिस्तान में तो लोग आवाज उठाते थे कि नहीं हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो ये एक अच्छी चीज है और पाकिस्तान की मीडिया भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी अपना आवाज अपनी आवाज उठा रही थी ह्यूमन राइट्स को एंकरेज कर रही थी तो इसके चलते भी इवेंचुअली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाती है तो ये पाकिस्तान की कहानी थी अब हम बांग्लादेश के बंगाल तो और आसाम वाले रीजन से बना है बांग्लादेश ठीक है पहले इंडिया का ही पार्ट था पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान को चला गया तो इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था तो जो ओरिजिनल वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो लोग बांग्लादेश के ऊपर उर्दू लैंग्वेज को फोर्स करते थे ये बांग्लादेश के लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि बांग्लादेश के लोगों का थोड़ा बंगाली कल्चर है ठीक है तो धीरे धीरे बांग्लादेश के लोग आवाज उठाने लगते हैं कि हमें उर्दू नहीं बोलनी हमें एक खुद का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पर शेख मुजिबुर रहमान एक बहुत पॉपुलर लीडर बन जाते हैं और धीरे धीरे शेख मुजिबर रहमान बोलने लगते हैं कि हमें खुद का देश बनाना है बांग्लादेश 1970 में इलेक्शन होते हैं एंड हम देखते हैं कि अवामी लीग जिसके लीडर थे शेख मुजिबुर रहमान वो ईस्ट पाकिस्तान में जीत जाते हैं तो ये वेस्ट पाकिस्तान मतलब ओरिजिनल पाकिस्तान को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि शेख मुजिबुर रहमान यहां पर जीत गए और शेख मुजिबुर रहमान तो खुद का देश बांग्लादेश बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बांग्लादेश के लोगों को थोड़ा मतलब डराती है धमकाती है इस दौरान शेख मुजिबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है आ, मिलिट्री रूल चल रहा था जनरल याया खान का तो जनरल याया खान क्या करते हैं अपनी पाकिस्तानी आर्मी को भेज देते हैं बांग्लादेश में एंड वहां पर लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा होता है मारा जा रहा होता है पीटा जा रहा होता है तो जब बांग्लादेश के लोग परेशान होते हैं तो ये लोग भाग भाग कर इंडिया आना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया खुद उस टाइम पर परेशान चल रहा था हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो हम बांग्लादेश से बोलते हैं कि भाई तुम्हें खुद का देश बनाना है तो बना लो पर अपने यहां से लोगों को हमारे देश में भेजना प्लीज बंद कर दो तो ये चीज पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती कि हम बांग्लादेश से बोल रहे हैं खुद का देश बना लो इसी के चलते इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है दिसंबर 1971 में इस में इस वॉर हम पाकिस्तान को हरा देते हैं पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर जाती है जिसके बाद बांग्लादेश बन जाता है बांग्लादेश अपना संविधान बनाता है बांग्लादेश कहता है कि हम सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को फॉलो करेंगे 1975 में अब शेख मुजीबुर रहमान अपने रंग थोड़े बदल रहे 1975 में शेख मुजीबुर रहमान संविधान को एमेंड करते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है वहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलेगी शेख मुजीबुर रहमान के पार्टी का नाम था अवामी लीग तो वो कहते हैं कि अवामी लीग के अलावा बाकी सारे पार्टीज को बैन कर दिया जाएगा ठीक है तो ऐसे धीरे धीरे कंफ्लिक्ट बढ़ने लग जाते हैं इस दौरान शेख रहमान को कोसैसिनेट कर दिया जाता है मार दिया जाता है फिर एक नए मिलिट्री रूलर आते हैं जियाउर रहमान वो खुद का एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं एंड वो 1979 के इलेक्शन में जीत जाते हैं पर इनको भी मार दिया जाता है एसैसिनेट कर दिया जाता है उसके बाद एक लीडर आते हैं जनरल एच एम अरशद ठीक है तो जनरल एच एम अरशद खुद पावर में आ जाते हैं पर बांग्लादेश के लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बांग्लादेश के लोग कहते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए तो जो जनरल अरशद थे उनको बोल दिया जाता है कि हम आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाद में क्या होता है वो खुद इलेक्शन में कुछ कुछ करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं फिर लोग फिर से आवाज उठाते हैं कि नहीं एच एम अरशद को हम अपना लीडर नहीं चाहते तो 1990 में उन्हें हटना पड़ जाता है उस पोजीशन से 1991 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं एंड उसके बाद से हमने देखा है कि बांग्लादेश में प्रॉपर डेमोक्रेसी चल रही है ठीक है पाकिस्तान डन बांग्लादेश डन नेपाल के बारे में समझते हैं नेपाल एक हिंदू किंगडम है ठीक है एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था तो यहाँ पर क्या था काफी लंबे टाइम से लोग चाहते थे कि यहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाए और डेमोक्रेसी आ जाए पर यहां पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में राजा रहते थे एंड राजा के हाथ में आर्मी रहती थी तो राजा जब भी लोग कहते थे डेमोक्रेसी चाहिए राजा आर्मी को यूज करके उन लोगों को चुप करा देते थे ठीक है फाइनली क्या होता है 1990 में लोग बहुत ज्यादा हंगामा मचाते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए तो राजा जनता से बोल देते हैं कि चलो ठीक है तुम्हें संविधान बनाना तो बना लो इतना मैं तुम्हें अलाउ करूंगा ठीक है फिर आगे क्या होता है नाइंटीज में हम देखते हैं कि माओइज माओइस्ट एक्टिविटीज नेपाल में बढ़ने लग जाती हैं तो माओइस्ट लोग कौन हैं ये ऐसे लोग हैं जो राजा को हटाना चाहते हैं पर ये बहुत ज्यादा वायलेंस और वेपन को यूज कर रहे हैं राजा को हटाने के लिए और अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए तो नेपाल में बहुत लंबे टाइम तक तो एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट मतलब तीन ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे तीन ग्रुप्स कौन कौन से थे एक तो ऐसे लोग जो मोनार्क यानी राजा को सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे लोग जो माओइस्ट हैं जो वायलेंस फैला रहे हैं और एक ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं जो डेमोक्रेसी को आ, एंकरेज कर रहे हैं ठीक है अब जब यहां पर थोड़ा टेंशन बढ़ने लगता है तो 2002 में क्या होता है राजा पार्लियामेंट को अबोलिश कर देते हैं मतलब पार्लियामेंट के सिस्टम को ही हटा देते हैं 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 तो लोग बहुत हैं। लोग बहुत बहुत गुस्सा हो जाते अप्रैल 2006 में ज्यादा हंगामा मचाते हैं कि आप पार्लियामेंट को नहीं हटा सकते हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए तो जब लोग इतना ज्यादा हंगामा मचाते हैं तो राजा क्या करते हैं राजा कहते हैं कि चलो ठीक है मैं पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर कर रहा हूं मैं पार्लियामेंट को फिर से अलाउ कर रहा हूं ठीक है तो इस दौरान सेवन पार्टी अलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जब लोग आवाज उठा रहे थे कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या होता है नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट नेपाल हैज अंडरगोन अ यूनिक मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल ये आपने अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि नेपाल अपने संविधान को आगे जाकर चेंज भी करता है जब ये लोग राजा के सिस्टम को हटा देते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है नेपाल अपने संविधान को चेंज करता है एंड प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है नेपाल ठीक है कुछ लोग ऐसे हैं नेपाल में जिनका मानना था कि मोनार्क सिस्टम ज्यादा बेटर रहता

जो इंडिया को लेकर इन्हें इंडिया के ऊपर बहुत शक रहता था कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन आगे जाकर कैसा होगा 2008 तक आते आते क्या होता है नेपाल बोल देता है कि अब हम राजा के सिस्टम को हटा रहे हैं और नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 2015 में ये लोग अपना नया संविधान बनाते हैं जिसमें ये अब राजा नहीं है तो प्रॉपर डेमोक्रेटिक संविधान बनाते हैं नेक्स्ट श्रीलंका की क्या दिक्कत थी वो समझते हैं ठीक है तो श्रीलंका में इंटरेस्टिंगली मिलिट्री की कोई दिक्कत नहीं थी और राजा रानी वाली भी कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है श्रीलंका का एक सेपरेट इशू था जो कि आप लोग टेंथ क्लास में पढ़कर आए हो तो श्रीलंका में दो कम्युनिटीज हैं एक है सिन्हला कम्युनिटी और एक है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी ठीक है सिंहला लोग जो है ये लोग मेजोरिटी में हैं और तमिल्स जो हैं इनमें से कुछ इंडियन तमिल्स हैं मतलब ऐसे तमिल्स जो इंडिया छोड़कर श्रीलंका चले गए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन करते टाइम इन्हें श्रीलंका भेज दिया था ठीक है तो श्रीलंका में सिंहलास एंड तमिल के बीच में आपस में बन नहीं रही है सिन्हाला लोग जो है इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है गवर्नमेंट में भी ये लोग ज्यादा हैं तो ये लोग के ऐसे कानून बनाते हैं जिससे सिन्हला लोगों को फायदा होता है एंड तमिल लोगों को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था कि यार हमारी तो सुनी ही नहीं जा रही ठीक है तो बेसिकली क्या था जो तमिल लोग हैं उन्हें निग्लेक्टेड फील हो रहा था उन्हें ऐसा फील हो रहा हो रहा था कि श्रीलंका में तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है 1983 में जो तमिल लोग हैं ये लोग एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम एल टी टी ई कहते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम कहते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अगर ये श्रीलंका है तो श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से में तमिल लोग ज्यादा हैं तो ये लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें एक तमिल एलम चाहिए तमिल एलम मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर तमिल लोग रहेंगे एक तमिल स्टेट चाहिए ठीक है तो ये दिक्कत चल रही थी श्रीलंका में ठीक है काफी वैसे देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर इंडियन तमिल्स हैं तो ये एक ऐसा इशू है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका से बात ही नहीं करती इस टॉपिक को लेकर फाइनली 1987 में क्या होता है इंडिया की गवर्नमेंट श्रीलंका की गवर्नमेंट से बातचीत करती है कि यार आपके देश में चल क्या रहा है इसके बाद इंडिया और श्रीलंका एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं कि श्रीलंका अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा एंड इस दौरान क्या होता है इंडिया अपने आर्मी को भी भेज देता है श्रीलंका में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और क्या होता है जब हम अपनी आर्मी को भेजते हैं श्रीलंका में तो एल के लोग और इंडियन आर्मी के बीच में ही लड़ाई हो जाती है और श्रीलंका के लोगों को भी हमारी आर्मी अच्छी नहीं लग रही थी कि इंडिया ने अपनी आर्मी को क्यों भेज दिया हमारे देश में तो फिर थोड़े टाइम के बाद हम अपनी आर्मी को वापस बुला लेते हैं अपने देश में तो 1989 में हम अपने आर्मी को वापस अपने देश में बुला लेते हैं। पर कुछ कुछ सॉल्यूशन नहीं नहीं निकलता प्रॉब्लम सॉल्व होती और हमें अपनी आर्मी को वापस भी बुलाना पड़ जाता श्रीलंका की जो दिक्कत है बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है बहुत वायलेंस यहां पर चलता रहता है फाइनली नॉर्वे एंड आइसलैंड जैसी कुछ कुछ कंट्रीज बीच में इंटरफेयर करती है नेगोसिएशन करती है फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है 2009 तक आते आते एल को हटा दिया जाता है ठीक है तो इन स्पाइट ऑफ कंफ्लिक्ट श्रीलंका में सिविल वॉर का माहौल चल रहा था तो ये तमिल्स और सिन्हला लोग आपस में लड़ रहे थे झगड़ रहे थे पर इसके बावजूद श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करती है ठीक है तो श्रीलंका उस टाइम पे वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी जिसने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करके दिखाया अपने इकोनॉमी को ओपन करके दिखाया हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रहा था इन लोगों का ठीक है जबकि सिविल वॉर चल रहा था इसके बावजूद इन्होंने बढ़िया अपना डेवलपमेंट करके दिखाया नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या क्या दिक्कतें हैं वो समझते हैं तो जैसे ही पार्टीशन होता है ये तो आपको पता भी है कश्मीर को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं 1947 टू 48, 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुआ है पर ये मैटर सेटल नहीं हो पाया अब भी है कश्मीर कंफ्लिक तो अब भी चलता रहता है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब 1947 और 48 का वॉर होता है तो पाकिस्तान हमारे कश्मीर के एक रीजन के ऊपर कब्जा कर लेता है जिसे पीओके कहा जाता है ठीक है और 1971 में भी भी क्या था था इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ बांग्लादेश के इशू इशू को लेकर पर तब भी कश्मीर वाला इशु सेटल नहीं हो पाता ठीक है और क्या कह रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इश्यूज रहे हैं आर्म्स रेस रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि ज्यादा वेपन्स इकट्ठा कौन करेगा ठीक है तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं और क्या कह रहे हैं 1998 में इंडिया अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है पोखरान में फिर पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता है कुछ दिन के बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट अपना करता है हिल्स में ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशन बहुत बढ़िया तो नहीं है पर आज के टाइम पर यह पॉसिबिलिटी की इंडिया और पाकिस्तान प्रॉपर वॉर ही कर ले ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है ठीक है तो वैसे तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक थोड़ा सस्पिशन का माहौल है पर फिर भी इंडिया एंड पाकिस्तान जहां हो सकता है कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है इंडिया ने बार बार ये बोला है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर में वायलेंस फैला रही है कश्मीर में मिलिटेंट्स को ला रही है वहां के लोगों को वेपन प्रोवाइड कर रही है और वायलेंस फैला रही है इंडिया को और क्या मानना है कि जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स रहे हैं उनको भी पाकिस्तान ने ही सपोर्ट करा है इनकी जो स्पाई एजेंसी है आईएसआई, हमारा मानना है कि इनकी स्पाई एजेंसी हर तरीके के एंटी इंडिया कैंपेन्स करती है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ये बांग्लादेश और नेपाल में भी अपने ऑपरेशन कर रहे हैं ठीक है एंड पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट को ब्लेम करती है ठीक है कि सिंध एंड बलोचिस्तान में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है इंडिया एंड पाकिस्तान रिवर रिवर वाटर शेयरिंग में में भी इनके इश्यूज हैं जैसे इंडस को लेकर हम लोग काफी लड़ते झगड़ते थे फिर 1960 वर्ल्ड बैंक हमारे लिए इंडस वाटर ट्रीटी लेकर आता है इंडिया एंड पाकिस्तान साइन करते हैं इस ट्रीटी को उसके बाद से रिवर शेयरिंग की दिक्कत थोड़ी ठीक हो जाती है सर क्रीक को लेकर भी इशू रहा है हमारा तो सरक्रीक क्या है ये ऐसे गुजरात के पास में एक वॉटर बॉडी है तो क्या है कि इसमें आपको जो रेड लाइन दिख रहा है ना तो ये जो रेड लाइन है इंडिया क्लेम करता है कि हमारी बाउंड्री यहां तक है ठीक है पर ये जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनकी बाउंड्री यहां तक है तो सरक्रीक को लेकर भी हमारा एक इशू चल रहा है नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान तो हो गया इंडिया पाकिस्तान बहुत कम पढ़ा है दूसरे बुक में तुम ज्यादा पढ़ोगे चलो इंडिया के के रिलेशन उनके नेबर्स के साथ कैसे हैं और समझते हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड बांग्लादेश गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के शेयरिंग को लेकर लड़ते झगड़ते हैं बांग्लादेश से हम परेशान हैं क्योंकि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आ आकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं ठीक है और बांग्लादेश क्या करता है अगर हमें ट्रूप्स ले जाने हो बांग्लादेश से तो ये सब बांग्लादेश हमें अलाउ नहीं करता बांग्लादेश हमें नेचुरल गैस नहीं देता ठीक है या म्यांमार को भी नहीं करने देता एक्सपोर्ट हम तक तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है आ, बांग्लादेश का मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट ये जो रीजन है साउथ एशिया का वहां पर इंडियन गवर्नमेंट सबको बुली करती है ठीक है इनका मानना है कि इंडिया की गवर्नमेंट चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में वायलेंस को एंकरेज कर रही है और वहां से नेचुरल गैस को उठाने की कोशिश कर रही है एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ ही रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश कॉपरेट भी कर रहे हैं जैसे इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ठीक तो, है तो उसका पार्ट है बांग्लादेश तो हम लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज को भी लेकर इंडिया और बांग्लादेश आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं नेपाल एंड नेपाल एंड इंडिया ठीक है नेपाल एंड इंडिया का एक स्पेशल रिलेशन है तो नेपाल एंड इंडिया में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो हमें वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है पर ये तो बढ़िया रिलेशन है इसके बावजूद कुछ कुछ इश्यूज भी हैं इंडिया और नेपाल के बीच में ठीक है नेपाल और चाइना का रिलेशन बढ़ता जा रहा है नेपाल एंटी इंडियन चीजों को एंकरेज कर रहा है ये हमें पसंद नहीं है ठीक है और नेपाल का जो माओइस्ट मूवमेंट है नेपाल में ये जो माओइज्म एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं नक्सलाइट ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं एंड हमारा मानना है कि यही नक्सलाइट ग्रुप्स आकर हमारे इंडिया में वायलेंस करते हैं तो ये चीज भी हमें पसंद नहीं है ठीक है नेपाल के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका मानना है कि इंडिया नेपाल के पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करता है नेपाल के कुछ लोगों का मानना है कि नेपाल तो एक लैंडलॉक्ट कंट्री है पर इंडिया इन लोगों को सी सी तक का एक्सेस तक भी नहीं देती है ठीक है पर ठीक है फिर भी इंडिया नेपाल के रिलेशन पीसफुल रहे हैं ट्रेड साइंस नेचुरल रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन को हम समझते हैं तो काफी लंबे टाइम तक तो हमने श्रीलंका को कुछ कहा नहीं जब ये तमिल लोगों को परेशान कर रहे थे पर फिर हम इन्वॉल्व होते हैं इस मैटर में एंड हमारे लीडर्स इस चीज को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे कि तमिल्स को इस तरीके से ट्रीट करा जा रहा था ठीक है आफ्टर मिलिट्री इंटरवेंशन इंटरवेंशनटीन एटी द इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स अ पॉलिसी ऑफ डिसेजमेंट ठीक है तो 1987 में हमने ये इस प्रॉब्लम में घुसने की कोशिश करी पर उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे मैटर्स से हम दूर रहेंगे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ही बेटर रहेगा जब सुनामी श्रीलंका को हिट कर गया था और श्रीलंका का बहुत नुकसान हुआ था हमने तब श्रीलंका की बहुत ज्यादा मदद करी थी रिकंस्ट्रक्शन में ठीक है तो थोड़े अच्छे बॉन्ड्स भी हैं इंडिया और श्रीलंका के भूटान और इंडिया के बीच में बहुत एक खास सा रिलेशन है ठीक है The efforts made by Bhutanese monarch to weed out gorillas and militants from north east. तो भूटान भूटान के जो राजा हैं, उन्होंने हमारी मदद करी थी नॉर्थ ईस्ट में से मिलिटेंट्स को हटाने में तो इंडिया एंड भूटान का एक बहुत स्पेशल रिलेशन है इंडिया एंड भूटान के आपस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हैं। एंड इट रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंटल एड भूटान को हमने डेवलपमेंटल एड डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज्यादा हेल्प करी है इंडिया एंड मालदीव के बीच में भी रिलेशन ठीक है नवंबर 1988 में क्या हुआ था कुछ तमिल लोगों ने श्रीलंका श्री के कुछ तमिल लोगों ने मालदीव्स के ऊपर अटैक कर दिया था उस टाइम पर इंडिया ने अपनी आर्मी को भेजकर मालदीव्स की मदद करी थी एंड टूरिज्म के मामले में फिशरीज के मामले में भी इंडिया से बहुत हेल्प मिलती है मालदीव्स को ठीक है तो आपको लग रहा होगा कि यार इंडिया ही सबसे लड़ते झगड़ते जा रहा है इस चैप्टर में तो याद रखना यार इस एरिया में ना हम लोग एकदम बीच में पड़ते हैं और हम ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं सारे कंट्रीज के बहुत पास पास है तो ये एक रीजन है कि इंडिया सारे कंट्रीज के साथ हमारा कुछ कुछ कंफ्लिक्ट पर जैसे इंडिया एकदम बीच में है बाकी सारे कंट्रीज आस पास है. पर ये बाकी कंट्रीज भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार इन लोगों की भी आपस में बनती नहीं है माइग्रेंट्स को लेकर ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर भी ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं पीस एंड कॉपरेशन इस एरिया में हम लोग शांति बनाए रख सकते हैं क्या वो समझने की कोशिश करते हैं इसी इंटेंशन के साथ हमने सार्क बनाया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन एंड ये एक इनिशिएटिव था जो 1985 में स्टार्ट हुआ था आ, कि हम इस एरिया में शांति बनाए रखेंगे पर अनफॉर्चुनेटली सार्क उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है सार्क के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रखा है जिसे हम साफ्ता कहते हैं और इस एग्रीमेंट के थ्रू साउथ एशिया के रीजन में ट्रेड को एंकरेज करा जा रहा है फ्री ट्रेड लाने की बात करी जा रही है 2004 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था फर्स्ट जनवरी 2006 को ये एग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया था साफ्ता के थ्रू अलग अलग कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर्स को कम कर रही हैं। तो कुछ कंट्रीज हैं जिनका मानना है कि साफ्ता के थ्रू इंडिया की गवर्नमेंट इन कंट्रीज के मार्केट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है इंडिया अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कुछ कंट्रीज का ऐसा मानना है ठीक है पर इंडिया का मानना है कि अगर हमें ऐसा करना ही होगा तो हमें साफता की जरूरत नहीं है हमने इन सारे कंट्रीज से इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स बना रखे हैं इंडिविजुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन सारे कंट्रीज के साथ हैं हमारे तो अगर हमें कुछ करना ही होगा हमें साफ्टा की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन में क्या थोड़ा कॉपरेशन हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं तो इंडिया एंड पाकिस्तान धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब आपस में बातचीत करना ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कल को वॉर ना हो ठीक है एक फ्रेंडशिप uh, की तरफ इंडिया एंड पाकिस्तान बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमने देखा है कि पाकिस्तान के लीडर्स कई बार इंडिया आ जाते हैं इंडिया के लीडर्स कई बार पाकिस्तान चले जाते हैं एंड नेगोशिएशन की कोशिश चल रही है ट्रेड uh, इन दोनों कंट्रीज के बीच में पिछले फाइव इयर्स में काफी ज्यादा बढ़ गया है वीजा अब इन दोनों कंट्रीज में आसानी से मिल जाते हैं ठीक है तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी दोनों कंट्रीज के बीच में बस रूट्स भी ओपन हो गए हैं तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड में आपको बताया जा रहा है कि कोई भी रीजन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा नहीं है कि इंडिया अलग से एग्जिस्ट कर रहा है आसपास हमारे कंट्रीज हैं एंड उन कंट्रीज का प्रभाव रहेगा हमारे देश में चाइना एंड यूएसए का भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है साउथ एशिया में इंडिया एंड चाइना के रिलेशन धीरे धीरे ठीक तो हो रहे हैं पर चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है ये हमारे लिए टेंशन वाली बात है अमेरिका का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है कोल्ड वॉर के बाद साउथ एशिया में एंड यूएसए के रिलेशन इंडिया के साथ भी सही रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी सही रहे हैं कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया इंडिया के साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे यूएसए के पाकिस्तान के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे थे यूएसए के ठीक है हाउ एवर वेदर साउथ एशिया पर साउथ एशिया में क्या ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे या क्या साउथ एशिया में कभी शांति बनी रहेगी ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि अब नेक्स्ट लीडर्स कौन आएंगे साउथ एशिया की कंट्रीज आगे जाकर किस टाइप की पॉलिसीज बनाएंगी इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि साउथ एशिया का रिलेशन आगे जाकर कैसा रहेगा इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है ओके कन्फेटी टाइम बच्चों क्लियर है क्या यहां तक जल्दी जल्दी बताओ कॉमेंट सेक्शन में इजी hmm. आगे बढ़े हाँ फुल जोश है मजा आ रहा है मैम पढ़ने में वेरी गुड शाल्वी यशस्वी बहुत बढ़िया मुकुल क्लियर yeah. है बेटा अनवी मैप कब हो गया मैप कल हो गया था आपको चैनल के लाइव वाले सेक्शन में दिख जाएगा ठीक है हम्म ओके तो रूल तो पता ही है जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो फिर आगे बढ़ते हैं जब अनुष्या दीदी है साथ तो डरने की क्या बात आहाना थैंक यू सो मच ओके मैम और कितना टाइम लगेगा अभी तक हमारा आधा मैराथन कंप्लीट हुआ है ठीक है आधा और रहता है, तो मेरे अंदाजे से कुछ वन आर थर्टी तो लगेंगे है? लगेंगे। चलो यार जल्दी जल्दी फायर इमोजी डालो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है मुझे जब काफी सारे फायर इमोजी दिखेंगे तब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी तुम्हें बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं ओके मैंने बीच में तुम लोगों के लिए एक छोटू सा रिडल डाल दिया है ठीक है तो हाँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा मतलब एक रेस्ट टाइप ले पाओ तो जल्दी से मुझे इस रिडल का आंसर बता दो फिर हम आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको भी पता है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दो If you have it, you don't share it. If you share it, you don't have it. What is it? कोई ऐसी चीज जो अगर हमारे पास होती है तो हम share नहीं करते और अगर हम share कर देते हैं तो फिर हमारे पास वो चीज होती नहीं है बताओ बताओ हम्म नंदनी हाय सबको हाय ज्योग्राफी की क्लास तो हो गई है अभिषेक ने बता दिया यार इसका आंसर है सीक्रेट ठीक है सीक्रेट अगर होती है तो शेयर नहीं करना होता और अगर तुम शेयर कर दो तो तुम्हारे पास वो होता नहीं है ठीक है यार तो आ, ये वाले पीपीटी को बंद करते हैं यहां तक हमारा आधा मैराथन कंप्लीट हो चुका है अब आधा और रहता है ठीक है तो बस ये भी आराम से कर लेंगे स्टार्ट करते हैं यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रेडी हो जाओ सब लोग अपने एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर ओपन करो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं इस कार्टून से हम अपनी शुरुआत करेंगे तो पहले इमेज में आपको दिख रहा होगा कि वॉर का माहौल है और यूनाइटेड नेशन का सिंबल पड़ा हुआ है नीचे है ना और यहां पर भी देखो यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है और लेबनन भी लिखा हुआ है यहां पर तो बेसिकली ये कार्टून क्या दिखा रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं जून 2006 की बात है अटैक कर देता है लेबनन तो है के ऊपर। तो कहता कि लेबनन में एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला नाम से हम उस ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए हम लेबनन के ऊपर अटैक कर रहे हैं पर इस दौरान लेबनन के जो बहुत आम लोग थे सिविलियंस थे उनके ऊपर इसराइल अटैक कर रहा था जो साधारण लोग थे वो बहुत परेशान हो रहे थे तो ये जून में ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है यूनाइटेड नेशन जून में कुछ नहीं करता जुलाई में कुछ नहीं करता अगस्त में यूनाइटेड नेशन बात करना स्टार्ट करता है कि यार लेबनन की मदद करते हैं अगस्त में बातचीत स्टार्ट करते हैं और फाइनली अक्टूबर में एक्शन लिया जाता है एंड इन इसल इसल के मिलिटेंट लोगों को हटाया जाता है यहां से ठीक है तो जब हम ये एग्जाम्पल सुनते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि यार यूनाइटेड नेशन उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं पर अगर हम दूसरे नजरिए से सोचें तो यूनाइटेड नेशन को लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो है क्या एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो समझने की कोशिश करते हैं ये समझने के लिए हम दो कोटेशन पढ़ेंगे पहला कोटेशन डैग ने दिया था जो यूनाइटेड नेशन के सेकेंड सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन हमने ये सोचकर नहीं बनाया था कि पूरे अर्थ में हेवन जैसी सिचुएशन होगी यूनाइटेड नेशन ये सोचकर बनाया गया था कि हमें अर्थ को हेल जैसे सिचुएशन से बचाना है जो शशि थरूर हैं तो अपने शशि थरूर जो थे वो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए तो शशि थरूर ने एक बार कहा था कि यार यूनाइटेड नेशन में ना बातचीत बहुत ज्यादा होती है लोग मीटिंग करते हैं डिस्कशन करते हैं बस बात ज्यादा करते हैं पर इन्होंने ये भी कहा कि यार बात करना बेटर है वॉर करने से बेटर है कि तुम आपस में बात करो मीटिंग करो एक दूसरे को बोर कर दो पर वॉर करने से तो ये बेटर है कि हम एक जगह मिलकर बातचीत कर लें तो इन दो कोटेशन से हमें समझ में आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वॉर एंड पीस के मामले में तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वजह से क्या होता है अलग अलग कंट्रीज कोपोरेट करते हैं मिलजुल कर काम करते हैं तो कंट्रीज जो होते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं पर कुछ कुछ दिक्कतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीधा वॉर ही कर दो उससे बेटर क्या है कि तुम डिस्कस करो और कोई पीसफुल सोल्यूशन ढूंढो ठीक है तो ऐसे मामलों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्रीज मिलजुल कर काम करती हैं ठीक है थीके? तो एक बार कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो पीसफुली शांति से मिलजुल कर काम कर सकते हैं एक और चीज में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एक कंट्री अकेले नहीं सुलझा सकती जैसे जब कोविड फैल गया था तो एक कंट्री अकेले थोड़ी सुलझा पा रही थी उस दिक्कत को हम सब कोशिश कर रहे थे कोविड को हट, हटाने की तो डिजीज ग्लोबल वार्मिंग टेररिज्म ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको एक देश अकेले नहीं संभाल सकता तो ऐसी चीजें जहां पर एक देश अकेले काम नहीं कर सकता ऐसे मामलों में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है दो देशों को ना ये एहसास हो जाता है कि यार हमें साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम एग्रीमेंट कैसे बनाए मिलकर काम कैसे करें जो फायदा होगा उसे आपस में बांटे कैसे ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रीज की हेल्प कर सकते हैं जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तब से यूनाइटेड नेशन का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया है तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस थोड़ा बढ़ गया तो इस चैप्टर में आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या यूनाइटेड नेशन इतना पावरफुल है कि यूनाइटेड नेशन से हम यूएसए के डोमिनेंस के ऊपर नजर रख पाए ये भी हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है बहुत सारे कंट्रीज का नुकसान होता है तो ये सारी कंट्रीज सोचती हैं कि हम साथ में मिलकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि आगे जाकर वॉर ना हो तो ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन पर लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल होता ही नहीं है ठीक है लीग ऑफ नेशन अगर सक्सेसफुल होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता ना पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और कंट्रीज का और भयंकर नुकसान होता है तो ऐसे में लीग ऑफ नेशन को हटाकर एक और ऑर्गेनाइजेशन को हम लाते हैं जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही यूनाइटेड नेशन को हमने बना दिया था यूनाइटेड नेशन चार्टर इस एग्रीमेंट को साइन करा फिफ्टी स्टेट्स ने और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ने वो करने की कोशिश करी जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया तो इन्होंने सोचा कि अब ये लोग आगे कभी वॉर को नहीं होने देंगे अलग अलग कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन को एंकरेज करेंगे और अगर कल को कभी वॉर हो भी जाता है तो वॉर के वजह से जो नुकसान हो रहा है जो डेथ्स हो रही हैं, उन सबको ये कम करने की कोशिश करेंगे अक्सर क्या होता है जहां पर डेवलपमेंट कम होती है ना वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि ये लोग डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंट हो 2011 तक आते आते यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स आ जाते हैं ज्यादातर इंडिपेंडेंट कंट्रीज यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक वोट होता है ये लोग एक वोट दे सकते हैं ठीक है UNSC यूनाइटेड नेशन का एक सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में पांच परमानेंट मेंबर्स हैं ये पांच परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूएसए रशिया यूके फ्रांस एंड चाइना ये नाम हम याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं पांच को क्यों सेलेक्ट किया गया इन्हीं पांच को परमानेंट क्यों बनाया गया क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था उस टाइम पर ये सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थे एंड ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत भी रहे थे यूनाइटेड नेशन के जो मेन हेड होते हैं उनको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं आज के टाइम पे एंटोनियो ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और ये नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन में क्या बदलाव आया तो कह रहे हैं कि रिफॉर्म बदलाव हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है और यूनाइटेड नेशन को नहीं है यूनाइटेड नेशन में भी बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबको पता तो है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव चाहिए पर बदलाव कैसे लाए उसे लेकर कुछ ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं तो बेसिकली लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में दो टाइप के बदलाव आने चाहिए एक बदलाव तो ये कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को बदलो दूसरा बदलाव तो ये कि यूनाइटेड नेशन जिन जिन इश्यूज के ऊपर काम करता है वो रिव्यू करो कि इनकी पावर क्या है इनकी क्या है इस चीज के ऊपर भी लोग कहते हैं कि एक रिव्यू चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जब भी यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर के बदलाव की बात होती है तो सबसे पहले यूएनएससी में बदलाव चाहिए ये बात होती है ठीक है तो UNSC की अगर मैं बात करूं तो UNSC में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पंद्रह कंट्रीज हैं ठीक है इन पंद्रह में से पांच कंट्रीज ऐसी हैं जो कि परमानेंट कंट्रीज हैं और दस कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं नॉन परमानेंट कंट्रीज ठीक है ये नॉन परमानेंट कंट्रीज हर दो दो साल में बदलती रहती हैं ठीक है तो लोग कहते हैं कि एशिया अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए यूएनएससी में ठीक है और जो यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को बजट और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है ठीक है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका मानना है कि पीस और डेवलपमेंट के मामले में यूनाइटेड नेशन को और अच्छे से काम करना चाहिए अलग अलग कंट्रीज में हेल्थ एजुकेशन और एनवायरमेंट ह्यूमन राइट इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए यूनाइटेड नेशन को ठीक है तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म हम लोग कैसे ला सकते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा और समझते हैं यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ठीक है यूनाइटेड नेशन ने वो करने की कोशिश करी जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया उसके बाद कोल्ड वॉर होता है और जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो हमारे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बदलाव आता है क्या बदलाव आता है सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है यूएसए स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन जाती है पूरे वर्ल्ड में और रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन जाता है सोवियत यूनियन की जगह

पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नए नए प्रॉब्लम आ रहे थे जैसे कि जीनोसाइड सिविल वॉर टेररिज्म क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग डिजीजेस ये सब ठीक है तो इस टाइम पर जब दुनिया में इतने सारे चेंजेस आ रहे थे सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्या यूनाइटेड नेशन ठीक तरीके से काम कर रहा है ठीक है क्या यूनाइटेड नेशन में वो पावर है कि वो इस चेंजिंग पॉलिटिक्स को संभाल पाए ठीक है तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ठीक है तो अब धीरे धीरे बात होने लगती है यूनाइटेड नेशन में कि यार हमें बदलाव की जरूरत है तो इसी के चलते 1992 में क्या होता है यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करा जाता है एंड इस रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन की तीन कंप्लेन करी जाती है तो लोग कहते हैं कि पॉइंट वन यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आजकल के पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं बना हुआ और क्या कंप्लेन करते हैं ये लोग कि यूनाइटेड नेशन में वेस्टर्न कंट्रीज का प्रभाव ज्यादा है और क्या कंप्लेन करते हैं ये लोग कि यूनाइटेड नेशन में बराबर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा हर कंट्री को ठीक है नेक्स्ट क्या होता है आ, धीरे धीरे बात होने लग जाती है कि यूनाइटेड नेशन में हम कैसे बदलाव लेकर आए तो फर्स्ट जनवरी 1997 को उस टाइम के यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे कोफी आनंद वो एक इंक्वायरी रखते हैं कि यूनाइटेड नेशन को हम कैसे बदले और इसी इंक्वायरी के बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हमें कल को नए मेंबर्स चुनने हो तो हम उन नए मेंबर्स को किस आधार पर चुनेंगे ठीक है नेक्स्ट लोग ये भी कहते हैं कि परमानेंट कंट्रीज सिर्फ पांच क्यों है ये नंबर बढ़ाओ नॉन परमानेंट कंट्रीज का भी नंबर बढ़ाओ ये सारा डिस्कशन स्टार्ट होने लग जाता है तो अगर कल को यूएनएससी में नए मेंबर को हम लाते हैं तो किस आधार पर लाएंगे तो यूनाइटेड नेशन ने हमें ये लिस्ट दी यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अगर हम नए देश को लाते हैं तो वो कोई एक ऐसा देश होगा जो इकोनॉमी के मामले में बहुत पावरफुल हो जो मिलिट्री के मामले में बहुत पावरफुल हो जो यूनाइटेड नेशन के बजट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे जो पॉपुलेशन के मामले में बहुत स्ट्रांग कंट्री हो जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो एक ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी हो जहां पर ह्यूमन राइट्स हो एक ऐसा देश जहां पर डाइवर्सिटी हो जोग्राफी इकोनॉमी और कल्चर के मामले में डाइवर्सिटी हो पर ये पॉइंट्स ना ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है ठीक है उतने बढ़िया पॉइंट नहीं है जैसे इन्होंने कहा है कि भाई उस देश का पॉपुलेशन बड़ा होना चाहिए पर बड़े पॉपुलेशन को हम बढ़िया कब से मानने लग गए ठीक है और इन्होंने कहा है कि ऐसा देश होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन के बजट को कंट्रीब्यूशन दे पाए कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए ये सब इन्होंने नहीं बताया ठीक है तो इनका जो क्राइटेरिया था वो उतना क्लियर नहीं था ठीक है इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक पावर बढ़िया होनी चाहिए उस कंट्री की कितनी बढ़िया होनी चाहिए मिलिट्री पावर कैसी होनी चाहिए इन सारी चीजों को लेकर इन लोगों ने क्लैरिटी नहीं दी ठीक है नेक्स्ट क्या है बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो पांच कंट्रीज हैं जिनको हमने परमानेंट बना रखा है उनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं अभी आगे जाकर पढ़ेंगे वीटो पावर के बारे में तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई ये वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेमोक्रेटिक नहीं है उस टाइम पर हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा ठीक है आज के टाइम पर ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है इसे हटा देना चाहिए ऐसा बहुत सारे देश मानते हैं ठीक है तो इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं मैंने आपको बताया यूएनएससी में पांच कंट्रीज ऐसी हैं जो कि परमानेंट है मतलब ये तो हमेशा ही आ, पार्ट रहेंगे यूएनएससी का ओके और दस कंट्रीज ऐसे हैं जो कि नॉन परमानेंट है नॉन मतलब ये हर दो साल में बदलते रहते हैं ठीक तो, है तो जो परमानेंट कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है है ना तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को इन पांच कंट्रीज को परमानेंट क्यों बनाया था क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस टाइम पर ये कंट्रीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी ठीक है तो इन पांच कंट्रीज के पास एक पावर तो ये है कि ये परमानेंट है दूसरा पावर ये है कि इनके पास वीटो पावर है ठीक है और जो नॉन परमेंट कंट्रीज हैं उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है वो हर दो साल में बदलते भी रहते हैं ठीक है और हर दो साल में जब कोई कंट्री बदलती है ना तो इस तरीके से बदला जाता है कि अब नेक्स्ट ईयर में वो कंट्री फिर से नहीं आ सकती इस तरीके से बदला जाता है कि हर एक कंट्री को मौका मिले ठीक है तो हर एक कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन दे इस तरीके से बदला जाता है वीटो पावर क्या है तो ये जो पांच परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास वीटो पावर होता है ठीक है तो यूएनएससी में क्या है जितने भी पंद्रह मेंबर्स हैं, उनके पास एक एक वोट रहता है पर ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास एक स्पेशल वोटिंग पावर रहती है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं जिसके थ्रू ये एक नेगेटिव मैनर में वोट कर सकते हैं तो मान लो कोई एक बात चल रही है कोई एक डिस्कशन चल रहा है और मान लो चाइना को वो डिस्कशन अच्छा नहीं लगा चाइना को लगा कि अगर ये होता है तो चाइना को नुकसान होगा तो चाइना वीटो पावर लगाकर उस डिसीजन को कैंसिल करा सकता है ठीक है तो ये तो ये एक नेगेटिव पावर होता है एक नेगेटिव वोट होता है जिसको यूज करके उस डिसीजन को चाइना खत्म कर सकता है रोक सकता है ठीक है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीटो पावर को हटा देना चाहिए पूरा वीटो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है पर अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो शायद यूनाइटेड नेशन ये स्टेप लेने के लिए अभी रेडी नहीं है वीटो पावर को शायद यूनाइटेड नेशन इतनी जल्दी नहीं हटाएगा क्योंकि अगर हम वीटो पावर हटा देते हैं तो ये जो पांच कंट्रीज हैं इनका सारा इंटरेस्ट हट जाएगा यूनाइटेड नेशन से वीटो पावर हटाएंगे तो ये पांच कंट्रीज यूनाइटेड नेशन को छोड़ देंगे एंड फिर इन पांच कंट्रीज के साथ बातचीत करना कॉपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो ये ग्राफ है जिससे हमें आइडिया लग रहा है कि इन कंट्रीज ने वीटो पावर को कितना ज्यादा यूज करा है रशिया ने 135 बार यूज करा है यूएसए ने 84 यूके ने 32 फ्रांस ने 18 चाइना ने 11 ये जून 2018 तक का डेटा है नेक्स्ट ऑफ़ ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है तो यूनाइटेड नेशन ने जब 60 इयर्स कंप्लीट करे, तो उसके बाद सितंबर 2005 में ये लोग मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन को बेटर करने के लिए तो ये कहते हैं कि हम एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे यूनाइटेड नेशन में ये लोग क्या कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई फेलियर होता है तो हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएंगे जो ये बना भी चुके हैं नाइनटीन जून टू को ये लोग बना चुके हैं ये लोग मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स लाने के बारे में बात करते हैं आज के टाइम पे इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स कहा जाता है इनमें कुछ कुछ गोल्स हैं जो कि कंट्रीज को फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि uh, जेंडर इक्वालिटी लोगों को साफ पानी दो ये सब ठीक है टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी के लिए एक फंड बनाएंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल को हटा देंगे तो ये सारा डिस्कशन ये लोग करते हैं ठीक है पर अगेन इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्कशन तो करा पर इनका डिस्कशन उतना क्लियर नहीं था पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे इन्होंने कहा पर पीस बिल्डिंग कमीशन करेगी क्या वो डिस्कशन नहीं हुआ ठीक है तो इन्होंने काफी सारी चीजें कही पर इन डिटेल नहीं कही टेररिज्म को हटाएंगे पर एग्जैक्टली exactly मतलब डिस्कशन नहीं, तो नहीं था Next, इंडिया का क्या मानना है यूनाइटेड नेशन को लेकर वो समझते हैं तो इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करा है इंडिया का मानना है कि आजकल के टाइम पर यूनाइटेड नेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमने हर तरीके से यूनाइटेड नेशन के साथ कॉपरेट करा है यूनाइटेड नेशन की हेल्प करी है आ, इंडिया का मानना है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसमें यूनाइटेड नेशन का इंडिया को यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट उतना पसंद नहीं है हमारा मानना है कि यूएनएससी में जो मेंबरशिप है वो बढ़नी चाहिए परमानेंट मेंबर भी बढ़ा दो और नॉन परमानेंट मेंबर भी बढ़ा दो तो 1965 में UNSC ने कहा कि यूएनएससी में अब 11 की जगह 15 मेंबर्स रहेंगे। ये 1965 में कहा था उसके बाद से इन्होंने मेंबरशिप का नंबर इंक्रीज ही नहीं करा तो इंडिया कहता है कि ये सही नहीं है मेंबरशिप थोड़ी इंक्रीज कर लो ठीक है नेक्स्ट क्या मानना है इंडिया का कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो यूएनएससी में भी डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा होनी चाहिए तो इंडिया कह रहा है मेंबर्स भी बढ़ाओ नॉन मेंबर्स भी बढ़ा दो ठीक है तो ये इंडिया का मेन रहता है और इंडिया का मानना है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बनना डिजर्व करता है तो किस आधार पर हम ये कहते हैं कि हम पर्मांट मेंबर बनना डिजर्व करते हैं तो इन्होंने कहा था ना कि इन्हें ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री चाहिए तो इंडिया में तो बढ़िया पॉपुलेशन है एक पॉइंट तो ये हो गया नेक्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम लोग हमने यूनाइटेड नेशन की हमेशा मदद करी है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग एफर्ट्स में भी हमने हमेशा कॉपरेट करा है हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है तो इन सारे पॉइंट्स uh, को लेकर हम मानते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए और इंडिया की गवर्नमेंट को यह भी पता है ऑब्वियसली कि अगर हम पर्मांट मेंबर बनेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा है ना इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को बहुत फायदा होगा अगर हम परमानेंट कंट्री बन जाते हैं तो पर कुछ कुछ दिक्कतें हैं पाकिस्तान को यह चीज पसंद नहीं है ऑब्वियसली पाकिस्तान हमेशा कहता है कि इंडिया को परमानेंट नहीं बनना चाहिए है ना आ, कुछ कंट्रीज इस चीज को लेकर थोड़े टेंस्ड हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज हमें नहीं पता उसे परमानेंट कैसे बना दे कुछ देश कहता है कि इंडिया के तो पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया को परमानेंट कैसे बना दे कुछ लोगों का मानना है कि अगर इंडिया को परमानेंट बनाने की बात चली रही है तो पहले ब्राजील जर्मनी एंड जापान जैसी कंट्रीज को कंसिडर कर लो है ना कुछ लोगों का मानना है कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में से किसी कंट्री को परमानेंट बनाना चाहिए ताकि वर्ल्ड में ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मिले तो इन सारे दिक्कतों के चलते ये चांसेस कि इंडिया परमानेंट बन जाए ये चांसेस थोड़े से कम है नेक्स्ट इन यूनिपोलर वर्ल्ड आज के टाइम पर यूएसए के हाथ में सारी पावर है बाईपोलर वर्ल्ड नहीं रहा यूनिपोलर वर्ल्ड रहा है यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहेगा वो समझते हैं यूएसए बहुत स्ट्रांग है यूएसए के पावर को चेक करना इतना आसान नहीं है यूनाइटेड नेशन के लिए भी उतना आसान नहीं है यूएसए के पावर को चेक करना तो जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है यूएसए के हाथ में सारी पावर आ गई है यूएसए की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता यूनाइटेड नेशन भी इग्नोर नहीं कर सकता और यूएसए का बहुत ज्यादा प्रभाव है यूनाइटेड नेशन के ऊपर जैसे यूएसए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है यूनाइटेड नेशन के बजट में यूनाइटेड नेशंस जो है वो फिजिकली यूएसए के अंदर बना हुआ है यूएसए के अंदर लोकेटेड है वो और यूएसए के बहुत सारे लोग यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करते हैं ठीक है और अगर कल को मान भी लो हम यूएसए के खिलाफ अगर यूनाइटेड नेशन में कल को कोई बात करते भी हैं तो यूएसए बहुत आसानी से वीटो पावर लगाकर उस उस डिस्कशन को वहीं पर खत्म कर सकता है ठीक है तो एक तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के पास कोई खास पावर नहीं है अगर हम यूएसए के खिलाफ कुछ करना चाहे तो ठीक है पर दूसरे तरीके से देखें तो यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी कंट्रीज यूएसए के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं तो अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो हम सारे कंट्रीज मिलकर बातचीत कर सकते हैं डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं तो यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म है ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर लोग डिबेट कर सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं आपस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो यूनाइटेड नेशन परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कमियां हैं पर आप ऐसा सोचो कि यूनाइटेड नेशन में है बहुत सारी कमियां पर अगर यूनाइटेड नेशन नहीं होता तो और भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती ठीक है तो इस सेंस में यूनाइटेड नेशन हमारे लिए जरूरी है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है टाइम के साथ ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ने वाली है तो टाइम के साथ नो डाउट यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो यहां पर वैसे तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है पर कुछ कुछ बॉक्सेस हैं इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं तो उन बॉक्सेस को एक बार देख लेते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन करता है ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का एंड uh, ये ग्लोबल मीडिया में आवाज उठाता है जब भी ह्यूमन राइट रिलेटेड कोई इशू होता है जैसे कि इन्होंने लैंड माइन्स को बैन करने के बारे में बात कर रखी है चाइल्ड सोल्जर्स को यूज करने के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठा रखी है इंटरनेशनल ये भी एक आ, NGO है जो ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है ठीक है और आ, इन लोगों का मानना है कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज है जो सबके लिए जरूरी है एंड ज्यादातर गवर्नमेंट एमएनएसटी इंटरनेशनल को पसंद नहीं करते क्योंकि एम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकालती हैं एंड इन रिपोर्ट्स में एम इंटरनेशनल अक्सर गवर्नमेंट की बुराइयां कर रही होती हैं तो अलग-अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको तो पसंद ही नहीं आता एमनेस्टी इंटरनेशनल आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में बना था तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट उन्होंने एटम्स फॉर पीस के बारे में बात करी थी कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज करो तो आईएईए यही करता है ये अलग-अलग फैसिलिटीज के ऊपर नजर रखते हैं कि ये लोग न्यूक्लियर पावर को गलत तरीके से यूज ना करें डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाता है ये 1995 में सेटअप हुआ था और डब्ल्यू टी ओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम गैट कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ठीक है इसके 164 मेंबर्स हैं ये 2016 का डेटा दे रखा है हमारे एनसीआरटी में पर लोगों का मानना है कि डब्ल्यू टी uh, में यूएसए यूरोपियन यूनियन एंड जापान जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ठीक है और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता डब्ल्यू में लास्ट हमारा वर्ल्ड बैंक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था डेवलपिंग कंट्रीज ये इसका मेन फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट एनवायरमेंट को बचाना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना गवर्नेंस को बेटर करना ये सब वर्ल्ड बैंक का फोकस है ये अलग अलग कंट्रीज को लोन देते हैं इनका इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है कंट्रीज uh, के इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर एंड जो पुअर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड बैंक को उतना पसंद नहीं करते वो क्रिटिसाइज भी करते हैं वर्ल्ड बैंक को कि ये लोग हमारे इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एक और चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो गया है कन्फेटी टाइम जल्दी जल्दी सब लोग क्लैपिंग कर दो अब हमारे तीन और चैप्टर्स रह रहे हैं ठीक है तो मैं बस तुम लोगों के कमेंट्स को लगा लू ओके okay, आगे बढ़े क्लियर है सबको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें क्या हाँ सुपर क्लियर ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूं कि आज बुक वन का मैराथन है कल 3:30 थर्टी पी पीएम मैं लाइव आऊंगी और कल 3:30 थर्टी पी पीएम बुक टू का मैराथन होगा तो सारे बच्चे कल भी 3:30 थर्टी पी पीएम एकदम टाइम से पहुंच जाना क्लास में ठीक है हाँ ओके आर्यन हाय भूमि क्लियर हाँ आहाना अच्छे से सुनो इन सारे मैराथॉन्स में अच्छे से सुनो ठीक है उतना ही है ओके चलो यार रूल तो तुम्हें पता ही है जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो आंसर राइटिंग भी बता दूंगी बेटा टेंशन नहीं लेना ठीक है चलो यार रूल्स तो सबको पता ही है जल्दी से फायर इमोजी डाल दो सब लोग कमेंट सेक्शन में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं ठीक है रेडी स्टार्ट करें हम्म मुझे अभी ज्यादा फायर इमोजीज दिख नहीं रहे हैं जल्दी जल्दी फायर इमोजी डालो यार फिर करते हैं स्टार्ट ओके चलो यार आगे बढ़ते हैं अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ठीक है जो बच्चे पोल्स का कह रहे हैं जो बच्चे आंसर राइटिंग का कह रहे हैं मैं पोल भी करा दूंगी आंसर राइटिंग भी करा दूंगी आ, सब करा दूंगी मैं तो तुम लोग टेंशन मत लो है ना और उन सब का लिंक तुम्हें इस चैनल के कम्युनिटी पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर मिल जाएगा मैं इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगा दूंगी तो लिंक तुम्हें हर जगह से मिल जाएगा उसकी भी टेंशन नहीं लेना ओके काफी सारे फायर इमोजीज़ दिख रहे हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट uh, चैप्टर देखते हैं सिक्योरिटी इन दंटेम्प्री वर्ल्ड इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जल्दी से ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है सिक्योरिटी मतलब कि हमें फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स जैसा सिचुएशन हो एक ऐसा सिचुएशन जब हमें लगे कि आसपास कोई थ्रेट नहीं है कोई खतरा नहीं है उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं जब हम थ्रेट की बात करते हैं तो हर छोटे खतरे को हम सिक्योरिटी थ्रेट में नहीं गिन सकते वरना सिक्योरिटी की डेफिनेशन कुछ अलग ही बन जाएगी हर छोटी छोटी दिक्कत को थ्रेट हमें नहीं मानना होता तो थ्रेट हम किसे मानते हैं खतरा हम किसे मानते हैं कोई ऐसी सिचुएशन जिससे हमारे कोर वैल्यूज बिगड़ जाएं कोर वैल्यूज मतलब फ्रीडम इक्वालिटी जब ये सारे कोर वैल्यूज हमारे हटने लगे तो उसे हम सिक्योरिटी के थ्रेट में गिनते हैं ठीक है पर कोर वैल्यूज भी इस हद तक खराब होनी चाहिए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोर वैल्यू ठीक ही नहीं हो पाएगी तब जाकर हम उसे थ्रेट कहते हैं तो बेसिकली थ्रेट का क्या मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन जहां तुम्हारे कोर वैल्यूज को खतरा हो और कोर वैल्यूज को भी इस हद तक खतरा हो कि अगर तुम्हारी कोर वैल्यू बिगड़ गई तो वो ठीक नहीं हो पाएगी इस चैप्टर में हम सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को दो ग्रुप्स में बांटकर पढ़ेंगे एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी और एक है नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी एक एक करके पढ़ते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है और उसमें भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल क्या होता है वो समझते हैं ठीक है तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम ऐसा मानते हैं कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है मिलिट्री का खतरा है कल को कोई हमारे देश के ऊपर अटैक ना कर दे ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है अगर कल को मिलिट्री अटैक होता है हमारे देश में तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा ऑर्डिनरी सिटीजन्स को टारगेट किया जाएगा है ना तो ऐसा नहीं है कि वॉर से सिर्फ सोल्जर्स को दिक्कत होती है गवर्नमेंट को दिक्कत होती है ऑर्डिनरी सिटीजंस को भी टारगेट करा जाता है वॉर के टाइम पर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं एक ऑप्शन है सरेंडर कर लो सरेंडर कर लो मतलब हार मान जाओ दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम ऐसा कुछ करो कि सामने वाला देश तुम्हारे ऊपर अटैक ही ना करे तुम प्रिवेंट करो वॉर को तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वॉर हो ही गया है तो तुम अपने आप को बचाओ तुम अपने आप को डिफेंड करो ठीक है काफी बार ऐसा होता है कि वॉर के टाइम पर गवर्नमेंट हार मान जाती है पर कोई इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं बोलता कि हम सरेंडर करने पे विश्वास रखते हैं तो बचे दो ऑप्शन डेटरेंस और डिफेंस डेटरेंस मतलब वॉर को प्रिवेंट करना तो डेटरेंस मतलब जैसे यूएसए बहुत स्ट्रांग कंट्री है कल को किसी को यूएसए के ऊपर अटैक करना हो तो वो सोचेंगे कि यार यूएसए के ऊपर तो हम अटैक नहीं कर सकते है ना तो इसे डेटरेंस कहते हैं नेक्स्ट डिफेंस डिफेंस मतलब अगर वॉर हो ही रहा है तो तुम अपने आप को बचाओ अपने आप को डिफेंड करो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है बैलेंस ऑफ पावर मतलब तुम्हारे आसपास जितनी कंट्रीज हैं उन सब की पावर्स बराबर होनी चाहिए ठीक है अगर किसी कंट्री के हाथ में ज्यादा पावर चली जाएगी तो क्या होगा बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने लगेगा ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर वो देश तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे ठीक है तो बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग रखो अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग रखो अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करो तभी बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है अलायंस बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में अलायंस बिल्डिंग का क्या मतलब है कि अलग अलग कंट्री साथ में मिलकर जब काम करती हैं तो उसे हम अलायंस बिल्डिंग कहते हैं मतलब एक टीम बना लेना इससे भी वॉर का खतरा कम हो जाता है अलायंस के साथ एक चीज याद रखना कि इंटरनेशनल लेवल पर अलायंस कभी भी टूट सकता है जैसे यूएसए ने बीच में इस्लामिक मिलिटेंट्स जो थे अफगानिस्तान के यूएसए बीच में उनके साथ काम करता था सोवियत यूनियन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्योंकि इस्लामिक मिलिटेंट्स जो थे अफगानिस्तान में वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे तो यूएसए उनके साथ काम कर रहा था फिर क्या हुआ नाइन इलेवन हुआ यूएसए के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उस टाइम के बाद से यूएसए अफगानिस्तान के साथ काम करना छोड़ देता है तो अलायसेस बदल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ठीक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम ऐसा मानते हैं कि देश के लिए जो सबसे बड़े डेंजर्स हैं जो सबसे बड़ा खतरा है वो देश के अंदर से नहीं पर देश के बाहर से आएगा ठीक है तो जैसे देश के अंदर तो गवर्नमेंट होती है जो देश के लोगों का ध्यान रखती है इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक कोई अथॉरिटी नहीं है जो देश अलग अलग देश को संभाल पाए हो सकता है आपके दिमाग में चले कि दीदी यूनाइटेड नेशंस तो है पर अभी पढ़ा ना हमने यूनाइटेड नेशन परफेक्ट नहीं है यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कमियां हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल इंटरनल दिक्कतों के बारे में समझते हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या कहा जाता है ठीक है तो हर खतरा एक्सटर्नल नहीं होता देश के अंदर भी कुछ कुछ खतरे हो सकते हैं ठीक है पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना तब ज्यादातर कंट्रीज को ऐसा लगता था कि हमारे देश के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई खतरा हमारे ऊपर बनेगा तो वो देश के बाहर से ही आएगा तो यूएसए सोवियत यूनियन ये अपने अंदर तो ये लोग बाउंड्री के अंदर तो इनका सब कूल चल रहा था इन्हें ये डर था कि बाहर से कोई देश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे ठीक तो तो ले है, ले है तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉर के बाद कोल्ड भी की पार्ट थी उनको ये टेंशन रहता था कि सोवियत यूनियन हमारे ऊपर अटैक ना कर दे सोवियत यूनियन की टीम से कोई अटैक ना कर दे जो लोग सोवियत यूनियन के टीम का पार्ट थे उन्हें ये टेंशन रहता था कि यूएसए की टीम से कोई हमारे ऊपर ना कर दे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इनमें से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने आ, क्या कर रखा था दूसरे कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रखा था जैसे ब्रिटिशर्स ने भी अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रखा था तो उन्हें ये डर रहता था कि हमने जिनके ऊपर कब्जा कर रखा है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे जैसे फ्रांस के लोगों ने वियतनाम के लोगों से लड़ाई करी 1950s में केन्या के लोगों ने ब्रिटिशर्स को भगाया 1950s और 1960s में केन्या और ब्रिटिशर्स की लड़ाई चल रही थी ठीक है और कई बार तो क्या होता था जब एक कंट्री को नई-नई आजादी मिलती थी ना तो भी उस कंट्री को डर रहता था कि यार यूरोप की कोई कंट्री मेरे ऊपर आकर फिर से कब्जा ना कर ले ठीक है तो आ, जो कंट्रीज नई-नई आजाद होती थी उनको अपने नेबर्स से भी एक खतरा रहता था कि नेबरिंग कंट्री हमारे ऊपर आकर अटैक ना कर दे तो कोल्ड वॉर के वजह से एक डर का माहौल था ठीक है तो आपको थोड़ा डेटा भी बता रखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी वॉर हुए उनमें से वन थर्ड वॉर तो कोल्ड वॉर के वजह से ही हुए थे ठीक है एंड इनमें से ज्यादातर वॉर्स डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हुए थे ठीक है एशिया एंड अफ्रीका में सिचुएशन थोड़ी अलग चल रही थी एशिया एंड अफ्रीका की ज्यादातर जो कंट्रीज थी उनको दो दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी एक दिक्कत तो ये थी कि बाहर की कोई कंट्री उनके ऊपर ना अटैक कर दे दूसरी कंट्री ये थी दूसरी कंट्री नहीं दूसरी दिक्कत ये थी कि उनके कंट्री के अंदर के लोगों के वजह से कोई दिक्कत ना क्रिएट हो जैसे कई बार ऐसा होता था कि देश के ही कुछ ग्रुप्स बोलने लग जाते थे कि हमें इस देश से हटना है हमें आजादी चाहिए ये सब ठीक है कई बार ऐसा भी होता था कि एक्सटर्नल और इंटरनल दिक्कतें साथ में होती थी जैसे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें इंडिया में जब कश्मीर में वायलेंस होता था तो ये हमारा इंटरनल इशू है है ना पर अक्सर क्या होता था पाकिस्तान के लोग कश्मीर में वायलेंस कराते थे तो ये एक्सटर्नल इशू भी हो गया तो कई बार ऐसा भी होता था कि इंटरनल और एक्सटर्नल इशू साथ में आते थे 1946 फोर्टी 1991 के बीच में बारह गुना बढ़ जाता है हमारा सिविल वॉर ठीक है जो कि बहुत बड़ा जंप है जिससे हमें आइडिया लगता है कि देश के अंदर भी सिक्योरिटी मेंटेन करना जरूरी है नेक्स्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कॉपरेशन मिलजुल के काम करना इसके बारे में क्या समझाया गया वो पढ़ते हैं ठीक है तो हम ये मानते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कि वॉर कर ही रहे हो तो फालतू में मत करो सॉलिड रीजन होना चाहिए वॉर करने का वॉर कर ही रहे हो तो किलिंग को अवॉइड करो, वायलेंस जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, एंड हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि यार वॉर करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में तीन चीजें कही जाती है कॉपरेशन uh, के लिए एक है डिसमेंट एक है आर्म्स कंट्रोल और एक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डिसामेंट का क्या मतलब है डिसामेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइप के वेपन को त्याग देना कि ये तो हम कभी यूज ही नहीं करेंगे जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन में हमने ये कहा था कि अब से हम बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को यूज ही नहीं करेंगे ठीक है तो इसे हम कहते हैं डिसामेंट पर कुछ वेपन ऐसे हैं जिसे यूएसए और सोवियत यूनियन त्यागने के लिए रेडी नहीं थे तो इन्होंने कहा कि हम खत्म तो नहीं करेंगे इन वेपन को पर हम इन्हें यूज करना कम करेंगे ठीक है तो इसे हम आर्म्स रेगुल्यूशन uh, कहते हैं एंड आर्म्स के थ्रू इन्होंने अलग अलग ट्रीटीज बनाई हैं जिससे ये न्यूक्लियर वेपन को कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो आर्म्स कंट्रोल में एक ट्रीटी है इनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में आई थी इसके थ्रू ये लोग मिसाइल्स को कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी जिसे सॉल्ट कहा जाता है या स्ट्रैटेजिक ट्रीटी जिसे स्टार्ट कहा जाता है ये सब ट्रीटीज हैं जिससे हम न्यूक्लियर वेपन को कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई आई थी जिसमें वो कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे वो बाकी कंट्रीज से कह रहे थे कि हमने तो बना लिया पर तुम लोग न्यूक्लियर वेपन को मत बनाओ ठीक है तो इससे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ऐसी कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए वो कभी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए तो काफी जैसे इंडिया का भी मानना है कि ये ट्रीटी बेकार है डिस्क्रिमिनेटरी है भेदभाव करा जा रहा है इसमें एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हम क्या करते हैं दो कंट्रीज जिनके बीच में एक वॉर का माहौल है उन दो कंट्रीज के लीडर्स साथ में बैठते हैं बातचीत करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से क्या होता है हम ये देखते हैं कि कल को दो देश मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वॉर ना करें और बातचीत करके प्रॉब्लम को सुलझा दें। तो ये पूरा हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी समझना स्टार्ट करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमारा मानना है कि मिलिट्री के अलावा और भी बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं लोगों को तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है इसमें हम ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को सेफ रखो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम कहते हैं कि पूरे दुनिया में जो एक एक इंसान है उनके सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करो ठीक है तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि लोगों को खाना मिल रहा है एजुकेशन मिल रहा है पानी मिल रहा है ये सारी चीजें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आ जाती हैं ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है पिछले हंड्रेड ईयर्स में हमने देखा है कि लोगों की डेथ वॉर के वजह से नहीं हो रही खुद के ही कंट्री के गवर्नमेंट के वजह से लोगों की डेथ हो रही है तो अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को थोड़ा नैरो सेंस में समझे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के ऊपर अटैक ना करें मिलिट्री अटैक ना करें अगर हम ब्रॉड सेंस में इस कॉन्सेप्ट को समझे तो इसमें आ जाता है कि लोग भूख के वजह से ना मरे लोग नेचुरल डिजास्टर से परेशान ना हो अः लोगों को डिजीजेस ना हो ये सब भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आ जाता है इसमें दो चीजें आती हैं फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां लोगों के दिमाग में कोई डर ना हो फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां लोगों को बेसिक चीजों के लिए आ, दिक्कत ना हो है ना लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे तो खाना ही नहीं मिल रहा यार मुझे तो पानी ही नहीं मिल रहा यार मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहा तो एक ऐसी सिचुएशन जब हमारे दिक्कत हमारी दिमाग में ये सारी दिक्कत ना हो उसे हम फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट कहते हैं ठीक है नाइनटीन के बाद ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आने लगा इस टाइम पर हमें यह एहसास होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको एक कंट्री अकेले सॉल्व नहीं कर सकती जैसे कि टेररिज्म ग्लोबल वार्मिंग तो इस टाइम पर भी ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ने लग जाता है आजकल के टाइम पे हमारे पास कुछ नए खतरे हैं कुछ न्यू थ्रेट्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं एक खतरा है टेररिज्म टेररिज्म का क्या मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन uh, जान मुझ के सिटीजन को टॉर्चर करे, वायलेंस फैलाए क्योंकि वो कोई बदलाव लाना चाहते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट को डराना चाहते हैं तो उसे हम टेररिज्म कहते हैं तो अगर प्लेन हाईजैक कर लिया कहीं पर बॉम्बिंग कर दिया तो ये सब टेररिज्म का एग्जाम्पल होता है टेररिज्म में जानमूच के सिविलियंस को टारगेट करा जाता है जनता की खुशी को टारगेट करा जाता है ताकि गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुंचाया जा सके टेररिज्म बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है पर लोग टेररिज्म को लेकर ज्यादा डिस्कशन करते नहीं थे फिर पे जब का जो अटैक होता है 9/11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के ऊपर जब टेररिस्ट अटैक होता है उसके बाद से लोग टेररिज्म के बारे में ज्यादा डिस्कशन करने लगते हैं मिडल ईस्ट यूरोप लैटिन अमेरिका साउथ एशिया में भी टेररिस्ट अटैक बहुत सारे रहे हैं नेक्स्ट इशू क्या है ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स लोगों को मिलने चाहिए तीन टाइप के होते हैं ह्यूमन राइट right. एक तो होता है पॉलिटिकल राइट right, मतलब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले एक होता है इकोनॉमिक right. और सोशल राइट और तीसरा होता है कि जो माइनॉरिटी लोग हैं उनका कल्चर उनकी एथनिसिटी को हम लोग प्रोटेक्ट करें ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है देर इज नो एग्रीमेंट ऑन विथ सेट ऑफ राइट शुड बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में किन-किन चीजों को गिनना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर अब भी डिबेट्स एंड डिस्कशन चलते रहते हैं एंड ह्यूमन राइट बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बाद हमें यह एहसास हुआ है कि ह्यूमन राइट जरूरी है जैसे कि इराक ने इन्वेजन करा था कुवैत में रवांडा में जीनोसाइड हुआ था इंडोनेशिया के इंडोनेशियन मिलिट्री ऑफ पीपल इन ईस्ट टाइम और इन सारे हमें पता चलता है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल इसके बारे में समझते हैं तो गरीबी अगर फैलेगी तो ये भी एक कंसर्न है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में वर्ल्ड पॉपुलेशन 70 करोड़ के ऊपर होने वाली है, है ना एंड हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो आधा ग्रोथ है वो छह कंट्रीज से हो रहा है इंडिया चाइना पाकिस्तान नाइजीरिया बांग्लादेश और इंडोनेशिया ठीक है नेक्स्ट आप देखोगे कि जो गरीब कंट्रीज है ना वहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है पर लोगों का इनकम और डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो रहा रिच कंट्रीज के साथ उल्टा है पॉपुलेशन कम होती जा रही है और इनकम उनका बढ़ता जा रहा है ठीक है तो पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करने की जरूरत है अगर हम गरीबी को कम करना चाहते हैं तो विद इन साउथ डिस्पैरिटीज की कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पर इंडस्ट्रीज कम है थोड़ा डेवलपमेंट कम है थोड़ा थोड़े गरीब कंट्रीज ज्यादा हैं तो ग्लोबल साउथ में भी अब कुछ कंट्रीज हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि सब सहारन रीजन जो है अफ्रीका का वो पूरे वर्ल्ड में ही वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन में से एक है ठीक है नेक्स्ट आपको बता रहे हैं ट्वेंटी सेंचुरी में हमने ये देखा कि मोर पीपल वो बीन किल्ड इन वॉर्स इन दिस रीजन दैन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड ये जो रीजन है इस रीजन में ज्यादा वॉर्स हो रहे थे और ज्यादा लोग सफर कर रहे थे तो डेवलपमेंट एंड वॉर के बीच में एक कनेक्शन है ठीक है अगर कहीं पर डेवलपमेंट कम होगा तो लोग वहां पर ज्यादा सफर करेंगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जब ग्लोबल साउथ में लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो वो लोग माइग्रेट करके डेवलप्ड कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं इससे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं देखो कुछ तो लोग होते हैं माइग्रेंट्स माइग्रेंट्स मतलब ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं कुछ होते हैं रेफ्यूजीज ठीक है रेफ्यूजीज का क्या मतलब है जो मजबूरी के वजह से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं तो मान लो एक कोई देश है वहां पर अटैक हो जाता है वहां पर कोई मिलिट्री अटैक चल रहा है तो वहां के लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा ना कहीं और तो ऐसे लोगों को रेफ्यूजी कहते हैं कुछ होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल मतलब एक देश के अंदर ही अगर किसी कम्युनिटी को अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाना पड़े तो इसे इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कहते हैं कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे आ, उन्हें कश्मीर वैली से जाना पड़ा था क्योंकि वहां बहुत वायलेंस हो रहा था नाइनटीन में तो ये इंटरनली डिस्प्लेस पीपल का एग्जाम्पल है ठीक है नेक्स्ट कह रहे हैं कि रेफ्यूजी एंड वॉर के बीच में काफी एक कनेक्शन है एक ऐसा एरिया जहां से रेफ्यूजी बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई तो दिक्कत है वहां पे वॉर इनस्टेबिलिटी ये सारी चीजें ज्यादा हैं। नेक्स्ट हेल्थ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं एच एड्स बर्ड फ्लू रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये सब कुछ uh, हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है ठीक है और कह रहे हैं कि हेल्थ इशू को संभालना वर्ल्ड में सारे कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर एक देश भी किसी हेल्थ प्रॉब्लम को संभाल नहीं पाया अच्छे से तो वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा ठीक है बाई 2003 हमने देखा कि चार करोड़ ऐसे लोग थे जो कि एड्स से इन्फेक्ट हो गए थे इनमें से टू थर्ड लोग तो अफ्रीका के ही थे ठीक है नॉर्थ अमेरिका में भी हमने देखा कि एड्स की दिक्कत आती है पर जो रिच कंट्रीज हैं वो मतलब मेडिसिन वगैरह बनाकर रिसर्च कर कर फिर भी जैसे तैसे प्रॉब्लम को संभाल लेते हैं जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनको दिक्कत आती है इन डिजीजेस को कंट्रोल करने में वहां पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मेडिकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर पाते इबोला वायरस हेपेटाइटिस सी ट्यूबरकोलोसिस मलेरिया डेंगू कॉलरा इन सबसे भी बहुत सारे लोगों की डेथ होती है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप हर छोटे से छोटे हेल्थ इशू को सिक्योरिटी में नहीं गिन सकते वो कोई ऐसी बीमारी या वो कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि आपके एग्जिस्टेंस को खतरा है कि अगर ये इशू चला तो भाई तुम खत्म ही हो जाओगे तुम्हारी कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी तो ऐसे इशूज को हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट में गिनते हैं ठीक है और कह रहे हैं कि सबके लिए सिक्योरिटी का मतलब अलग हो सकता है जैसे मालदीव की अगर हम बात करें उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो मालदीव तो छोटा सा आइलैंड है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो मालदीव ही जाएगा ठीक है और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से उन्हें एड्स सबसे बड़ी दिक्कत लगती है ठीक है अगर हम रवांडा की बात करें तो उन्हें ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा टेंशन नहीं है उन्हें क्या दिक्कत है कि वहां पर एक ट्राइब है ट्राइब 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 एंड इस का एक दुश्मन ट्राइब है हुटू ट्राइब. तो इन दोनों लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनकी मेजर दिक्कत यह है तो इससे हमें आइडिया लगता है कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सिक्योरिटी इशू होते हैं नेक्स्ट कॉपरेटिव सिक्योरिटी कॉपरेटिव सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी के मामले में हम लोग कॉपरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग मिलजुल कर कैसे सिक्योरिटी बनाए रख सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं तो कॉपरेशन बायलैटरल हो सकता है बायलैटरल मतलब जब दो कंट्री साथ में काम करें उसे बायलैटरल कॉपरेशन कहते हैं एक होता है रीजनल कॉपरेशन मतलब एक रीजन के लोग साथ में कर रहे हैं काम कॉन्टिनेंटल कॉपरेशन uh, मतलब एक कॉन्टिनेंट के लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ग्लोबल कॉपरेशन मतलब पूरे अर्थ के लोग पूरे ग्लोब की कंट्रीज साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बन सकती है जैसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक ये सब अलग अलग कंट्रीज को एंकरेज करते हैं कि आप साथ में मिलकर काम करो एनजीओ से भी एम इंटरनेशनल रेड क्रॉस अलग अलग एनजीओ से भी कॉपरेशन बढ़ सकता है अलग अलग बिजनेस से भी कॉपरेशन बढ़ सकता है ग्रेट पर्सनालिटीज जो होते हैं जैसे मदर टेरेसा नेल्सन मंडेला इन टाइप के लोग भी अलग अलग लोगों में कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं ठीक है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में हम मानते हैं कि वायलेंस हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए ठीक है और अगर तुम्हें वायलेंस यूज ही करना है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में सारे कंट्रीज को बातचीत कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि वायलेंस यूज करना है या नहीं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम मानते हैं कि इट इज ऑलवेज बेटर अगर तुम वायलेंस यूज कर ही रहे हो तो वो सैंक्शनड होना चाहिए सैंक्शन मतलब तुम लोग बातचीत करो आपस में मिलजुल कर बैठो और उसके बाद डिसीजन लो कि वायलेंस को यूज करना जरूरी है या नहीं है नेक्स्ट इंडिया का क्या स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी को लेकर वो समझते हैं तो जब इंडिया सिक्योरिटी की बात करता है तो हम चार चीजों के ऊपर फोकस करते हैं पहला हमारा फोकस ये रहता है कि हमें अपने मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाना है हमारे हमने बहुत सारे वॉर्स करे हैं 1947, 65, 71, 1999, 1962 बहुत सारे वॉर्स करें तो हमें समझ में आता है कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है हमने न्यूक्लियर डिवाइसेस भी टेस्ट कर लिया था 1974 में नेक्स्ट हमें यह लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें सबसे बनाकर रखनी चाहिए जैसे जो नेहरू जी थे वो एशिया के कंट्रीज के यूनिटी के ऊपर विश्वास रखते थे नाम के ऊपर विश्वास रखते थे नॉन अलाइन मूवमेंट यूनाइटेड इन सारी चीजों में उन्होंने बहुत अच्छे से पार्ट लिया तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें अच्छे से काम करना चाहिए ठीक है इंडिया ने हमेशा जब भी कोई खराब पॉलिसी आती है खराब एग्रीमेंट आता है तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है ठीक है हमने हमेशा ये कहा है कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वहां पर बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए हर एक कंट्री को नेक्स्ट हमारा ये मानना है कि देश के अंदर जो खतरे हैं हमें उनको भी प्यार से सुलझाना है जैसे मिजोरम नागा नागालैंड पंजाब कश्मीर यहां पर जो भी इश्यूज आए हैं हमने उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से ठीक करा है फोर्थ हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए तो तुम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करो लास्ट में आपको एक चीज बता रखी है कि सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए डेमोक्रेसी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आप हमेशा देखोगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है जो एक डेमोक्रेटिक देश होता है वहां पर हमेशा ज्यादा सिक्योरिटी होगी इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है दो और चैप्टर्स रह रहे हैं ठीक है तो कन्फेटी टाइम सब लोग जल्दी जल्दी क्लैप कर दो और मुझे बता दो कि क्या तुम लोग रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ओके okay, स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर रेडी बताओ यार जल्दी हम्म इजी आगे बढ़े लास्ट के दो चैप्टर्स इजी हैं ठीक है हम थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएंगे लास्ट के दो चैप्टर में तो हाँ आई थिंक आधे घंटे में हो जाना चाहिए ठीक है ओके यशस्वी थैंक यू सो मच आर्यन थैंक यू सो मच ओके दिव्या थैंक यू चलो यार आगे बढ़ते हैं सब लोग जल्दी से फायर इमोजी भेज दो फिर हम स्टार्ट करते हैं ओके okay? हाँ अरे वाह यार यशस्वी थैंक यू सो मच पूरे <laughs> सेशन में यशस्वी ने इतनी तारीफ करी है तुम ही लोग मुझे मोटिवेशन देते हो मैराथन खत्म करने का ओके okay. मीना यार ब्रेक वेक नहीं होगा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं हां भाई अपने लैंग्वेज में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी लैंग्वेज अगर तुम अपने लैंग्वेज में लिखो तो ठीक इंग्लिश में लिखना ऐसे नहीं कि तुम ग्रामर वैमर अजीब कर दो स्पेलिंग वगैरह गलत करके बोलो कि दीदी -दी, मेरी लैंग्वेज तो ऐसी है ऐसा नहीं ठीक ठीक इंग्लिश में अपना आंसर लिखना कोई दिक्कत नहीं है चलो यार स्टार्ट करते हैं मैं बस थोड़ा सा पानी पी लू फिर दो और चैप्टर हैं हमारा टारगेट रहेगा कि आधे घंटे के अंदर हम इस मैराथन को खत्म कर दें गौरव सो मच ओके। आगे बढ़ते हैं मैं फिर से याद दिला रही हूं तुम्हें कि हम कल 3:30 बुक टू का मैराथन करेंगे वहां पर सारे बच्चे एकदम टाइम से पहुंच जाना ठीक है <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इस चैप्टर को फिनिश करते हैं ठीक है तो आपको कुछ कुछ इश्यूज बताए जा रहे हैं कुछ कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जैसे कि 663 मिलियन ऐसे लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जिनको पीने लायक साफ पानी नहीं मिल रहा है 2.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सैनिटेशन का एक्सेस नहीं मिल रहा है हर साल मिलियंस में बच्चे मरते हैं इन रीजन के वजह से फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर इसके बावजूद हम लोग बिना सोचे समझे फॉरेस्ट को कट डाउन करे जा रहे हैं जिसके वजह से अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं अलग अलग स्पीशीज खत्म होते जा रहे हैं ओजोन लेयर हटता जा रहा है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं ओजोन लेयर अर्थ को सन के हार्मफुल रेस से बचाता है पर हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं कि ओजोन लेयर हटता जा रहा है वॉटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कोस्टल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसके वजह से जो मेराइन एनवायरमेंट है पानी में जो प्लांट्स रहते हैं जो एनिमल्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है ठीक है नेक्स्ट काफी सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो टॉपिक है ये तो हमें ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए गलत नहीं हो आप हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है ये पर ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसीलिए ये टॉपिक आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ाया जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है नाइनटीन के बाद वर्ल्ड में ये अवेयरनेस बढ़ने लग गई कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करना जरूरी है जैसे कि 1972 में क्लब ऑफ रोम जो कि ग्लोबल थिंक टैंक है वो एक बुक पब्लिश करता है जिसको हम लिमिट्स टू ग्रोथ कहते हैं ठीक है तो यहां पर भी डिस्कशन होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमें अर्थ के रिसोर्सेस को बचाना है उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग रखने लगता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए उसके बाद से धीरे धीरे अलग अलग टाइम पर हमने एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये हम लोग रखते हैं रियो दे जेनेरो ब्राजील में जून 1992 में इसी मीटिंग को अर्थ समिट कहा जाता है अर्थ समिट में 170 कंट्रीज थे। इस इंसिडेंट से पांच साल पहले 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी इस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर और इसमें यह बात की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दो टर्म्स होते हैं ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ मतलब वो कंट्रीज जो बहुत रिच हैं, बहुत डेवलप्ड हैं। ग्लोबल साउथ मतलब वो कंट्रीज जो गरीब हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज कम है ठीक है तो जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है ना उन्होंने सारा अपना डेवलपमेंट कर लिया सारी इंडस्ट्रीज बना ली तो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज को एनवायरमेंट को लेकर ज्यादा टेंशन होता है कि यार ग्लोबल वार्मिंग कम करना है ओजोन लेयर बचाना है पर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं वो इंडस्ट्रीज बना रही हैं रोड्स बना रही हैं अपना सारा काम कर रही हैं तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भी एनवायरमेंट को बचाना चाहती हैं पर वो मानती हैं कि हम एनवायरमेंट को बचाएंगे पर हमें डेवलपमेंट भी करने दो इंडस्ट्रीज बनाने दो रोड बनाने दो बाकी देशों ने तो डेवलपमेंट कर लिया हमें डेवलपमेंट की बारी दो ठीक है तो रियो समिट में ही एजेंडा ट्वेंटी वन बनाया जाता है एजेंडा ट्वेंटी वन बेसिकली क्या था इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिस लिखे गए थे जो अलग अलग कंट्रीज को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए नेक्स्ट क्या होता है इसी टाइम के अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि तुम लोग डेवलपमेंट करो पर डेवलपमेंट ऐसा करो जिससे फ्यूचर जेनरेशन को भी फायदा हो और को नुकसान ना हो ठीक है एजेंडा 21 की काफी लोग बुराइयां भी करते हैं एजेंडा 21 के बारे में बोला जाता है कि एजेंडा 21 में एनवायरमेंट को बचाने की कम बात हो रही है और इकोनॉमी को बढ़ाने की ज्यादा बात हो रही है नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स ग्लोबल कॉमन्स का क्या मतलब है कोई ऐसी चीज जो जो हम सब की हो, जो की, हो, सब की हो 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 किसी एक इंसान ना उसे ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है इसी को ही हम रेस्ट कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटर्स भी कहते हैं जैसे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जो ओशन फ्लोर है ठीक है जो स्पेस है जो अंटार्कटिका है ये सब किसी एक इंसान का नहीं है ये सारे कंट्रीज का है तो इन इलाकों को ग्लोबल कॉमन कहा जाता है ग्लोबल कॉमन को मैनेज करने के लिए अलग अलग एग्रीमेंट बने हैं जैसे कि 1959 में अंटार्कटिक आया था, 1987 में, में एनवायरमेंट प्रोटोकॉल भी आया था पर ग्लोबल कॉमन के साथ एक दिक्कत है जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो उनके लिए स्पेस में जाना ओशन फ्लोर में जाना ये सब करना आसान है जो गरीब कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी कम है वो चाह कर भी स्पेस में या ओशन फ्लोर में यहाँ जाकर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगी तो ग्लोबल कॉमन का जो फायदा है ना वो सबको इक्वली नहीं मिल रहा है नेक्स्ट कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टॉपिक में आपको यही बताया जा रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ की जो कंट्रीज हैं उनका गोल तो कॉमन है कि एनवायरमेंट को बचाना है, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग है क्योंकि नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं वो रिच कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बना चुके हैं तो पर जो साउथ की जो कंट्रीज हैं वो गरीब हैं है ना उन्हें अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की जरूरत है दोनों एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं पर दोनों का अप्रोच अलग होना चाहिए ठीक है तो रियो समिट जब हुआ था अर्थ समिट जब हुआ था नाइनटीन में तब इस चीज को मान लिया गया हाँ यारेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा है यू एन एफ सी 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 के भी जितने कॉन्फ्रेंस हुए हैं वहां पर भी इस चीज को मान लिया गया कि हाँ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, uh, बहुत जरूरी है तो ओवरऑल सबका मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट के स्टेज में है और जैसे चाइना एंड इंडिया डेवलपमेंट के स्टेज में है तो <clears throat> इनको थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए कि आप अपने इंडस्ट्रीज बना लो अपना डेवलपमेंट कर लो ठीक है और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत भयंकर पोल्यूशन कर चुके हैं और ज्यादातर जो पोल्यूशन है वो उन्होंने करा है उनके ऊपर किसी ने नजर भी नहीं रखा तो उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश हम कर रहे थे तो मीथेन हाइड्रोकार्बन मीथेन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो 1997 में जापान में क्योटो में ये प्रोटोकॉल साइन करा जाता है एंड इस प्रोटोकॉल में भी जापान एंड चाइना जैसी कंट्रीज को थोड़ी आजादी मिलती है कि ठीक है तुम डेवलपिंग स्टेज में हो तुम थोड़ा ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज अगर तुम्हें प्रोड्यूस करना है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ठीक है कॉमन प्रॉपर्टी मतलब हम कवर कर चुके हैं कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो हम सबका हो जो एक इंसान का ना हो ठीक है तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो कॉमन प्रॉपर्टी को भी लेकर हमने देखा है कि इंडिया में बहुत पहले से अलग अलग अप्रोच चलता आ रहा है कॉमन प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अप्रोच होता है जिसे हम कहते हैं सेक्रेट ग्रूव मान लो ये कोई फॉरेस्ट है ठीक है तो ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में है पर इस फॉरेस्ट का एक हिस्सा है जो कि हमारे ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है उनका मानना है कि यहाँ पे फॉरेस्ट के कोई स्पिरिट रहते हैं कोई भगवान रहते हैं एंड वो इस एरिया को बहुत अच्छे से रखते हैं यहाँ हंटिंग नहीं करते हैं यहाँ प्लांट्स का ध्यान रखते हैं तो ये क्या है ऐसे एरिया को हम सब मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है यही कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है साउथ इंडिया में भी सेक्रेट ग्रूव बहुत ज्यादा है इंडिया में विलेज कम्युनिटीज भी अपने आसपास के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर वो समझते हैं तो हम लोगों ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर लिया था हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर बढ़िया विश्वास रखते हैं पर क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया को एक एक्स्ट्रा आजादी मिल रही है कुछ लोग हैं जो ये चीज पसंद नहीं करते उनका मानना है कि इंडिया एंड चाइना तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर ठीक है नेक्स्ट जी की जब मीटिंग मीटिंग हुई थी जून टू में तो इंडिया ने ये चीज फिर से कही थी कि डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज बहुत कम पोल्यूशन कर रहे हैं तो इंडिया एंड चाइना जैसे कंट्रीज के ऊपर रोक टोक लगाने का कोई सेंस नहीं बनता ठीक है तो इंडिया ने बार बार इस चीज के बारे में बोला है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी भयंकर पोल्यूशन कर चुके हैं उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा लगने चाहिए ठीक है ये बात यूएनएफसीसीसी में भी हो रखी है तो आ, इंडिया इस चीज को भी पॉइंट आउट कर करता है ठीक है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको उनके ऊपर थोड़े कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए अब रिसेंटली ये डिस्कशन ज्यादा होने लगा है कि इंडिया जैसी जो कंट्रीज है वो बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करती जा रही हैं, बहुत तेजी के साथ पोल्यूशन कर रही हैं ब्राजील चाइना एंड इंडिया जैसी कंट्रीज इनके ऊपर रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस बढ़ानी चाहिए पर इंडिया ने हमेशा इस चीज के खिलाफ बोला है तो इंडिया ने डेटा के साथ भी बोला है कि अगर आप हमारे एमिशन्स को देखो तो टू तक पहुंचते हुए भी हमारे एमिशन यूएसए जैसे कंट्रीज के कंपेरिजन में हमारे एमिशन काफी कम रहेंगे ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अब ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यार इंडिया तो पोल्यूशन करने पे विश्वास रखता है तो ऐसा नहीं है हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं बहुत सारे कदम लिए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है जिससे हम क्लीन फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्हीकल्स के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लेकर आए थे 2001 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आए थे 2003 में जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी को एंकरेज कर रहे हैं हम नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं क्लीन कोल टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल भी हमने स्टार्ट कर रखा है हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी साइन कर रखा है इंप्लीमेंट कर रखा है इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है वो पूरे वर्ल्ड में ही लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम बहुत बढ़िया क्या करा मैंने ये हाँ तो वो पूरे वर्ल्ड में ही लार्जेस्ट प्रोग्राम है ठीक है कूल है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं की कंक्लूजन वॉज दैट इंडिया इस चीज को भी पॉइंट आउट करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास ज्यादा पैसा है ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देना चाहिए टेक्नोलॉजी देनी चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने पोल्यूशन को कम कर पाए पर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा करती ही नहीं है ठीक है और क्या है इंडिया का मानना है कि सार्क की जो सारी कंट्रीज हैं उनको साथ में मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज का ये ये इशू है एनवायरमेंट के मामले में नेक्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में समझते हैं तो देखो गवर्नमेंट का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ही एनवायरमेंट को बचाने में पर आम जनता जो है उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो भी सबसे सक्सेसफुल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रहे हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं करे हैं वो ऑर्डिनरी लोगों ने करे हैं तो मेक्सिको चीले ब्राजील मलेशिया इंडोनेशिया अफ्रीका एंड इंडिया में हमने देखे हैं कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए इनमें से ज्यादातर कंट्रीज में फॉरेस्ट क्लियरिंग के खिलाफ आवाज उठाई जाती है कि फॉरेस्ट को नहीं कट डाउन करना मिनरल इंडस्ट्रीज बहुत पोल्यूशन करते हैं मिनरल इंडस्ट्री क्या करते हैं माइनिंग करते हैं तो जमीन के नीचे से ये लोग मिनरल्स बाहर निकालते हैं एंड इस दौरान बहुत पोल्यूशन होता है पेड़ वेड़ कट जाते हैं एनिमल्स को भगा दिया जाता है जो ट्राइबल लोग वहां पर रह रहे होते हैं उनको हटा दिया जाता है तो मिनरल इंडस्ट्री से भी बहुत एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है तो एक कंपनी है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन ये ऑस्ट्रेलिया की मल्टीनेशनल कंपनी है एक बार ये कंपनी फिलीपींस जाती है वहां माइनिंग करने के लिए तो फिलीपींस के लोग हंगामा मचाकर इन कंपनी को इस कंपनी को भगा देते हैं कि आप लोग पोल्यूशन करोगे हमें ये कंपनी नहीं चाहिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो कंपनी है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन ये ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया के लोग खुद इस कंपनी को पसंद नहीं करते नेक्स्ट मेगा डैम्स के बारे में समझते हैं जब भी कहीं पर डैम बनता है तो सेम फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ता है वहां के जो ट्राइबल लोग हैं वहां उन लोगों को हटाना पड़ जाता है रिवर सिस्टम्स के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है तो लोग डैम प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं 1980s में हमने देखा पहला एंटी डैम मूवमेंट जिसको हम कहते हैं ये कैंपेन था जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था फ्रैंकलिन रिवर एंड उसके आसपास के फॉरेस्ट को बचाने के लिए ठीक है तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही फेमस कैंपेन है इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कैंपेन हुए हैं डैम्स के खिलाफ बाकी टर्की थाईलैंड साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया में भी ऐसे मूवमेंट्स हो रखे हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत ही फेमस आंदोलन है एंड एक बहुत प्यारी चीज ये है कि जब भी हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि हमारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स नॉन वायलेंट होते हैं हम लोग वायलेंस नहीं फैलाते एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में रिसोर्स जियो इस टॉपिक में आपको समझाया जा रहा है कि रिसोर्स कौन से कंट्रीज कैसे एक्वायर करती हैं रिसोर्सेस के मामले में थोड़ा समझते हैं ठीक है तो ट्रेड वॉर एंड पावर इन सारी चीजों से लोग रिसोर्स को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं सेवेंटीन सेंचुरी के अराउंड टिम्बर को बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था सी पावर ठीक है वॉटर रूट को यूज करने के लिए भी टिम्बर बहुत जरूरी होता था ऑयल को भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है ऑयल के बारे में अभी हम थोड़ा और इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है ऐसी कंट्रीज जो ऑयल जेनरेट करती हैं ट्रेड करती हैं उनके पास काफी ज्यादा पैसा रहता है वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली गल्फ का जो इलाका है तो 30 परसेंट ऑयल का प्रोडक्शन गल्फ रीजन कर लेता है ठीक है एंड ये लोग थर्टी परसेंट प्रोडक्शन करते हैं पर हमारे अंदाजे से पूरे अर्थ में जितना भी ऑयल है उसमें से 64% परसेंट रिजर्व तो गल्फ रीजन में ही है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का एंड सऊदी अरेबिया के बाद सेकेंड रैंक में कौन चल रहा है इराक चल रहा है अगर हम ऑयल कंजम्पशन की बात करें तो यूएसए यूरोप जापान इंडिया एंड चाइना ये ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा ऑयल को यूज कर रही हैं। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये तो समझाने की ही जरूरत नहीं है पानी के बिना एक दिन का हमारा कोई काम नहीं चल पाएगा है ना तो ऐसे तो देखो पानी हर जगह मिल जाएगा तुम्हें पर हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है एंड आजकल के टाइम पे पानी की बहुत ज्यादा कमी चल रही है आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि वाटर वॉर्स हो पानी को लेकर आगे जाकर वॉर हो लड़ाई झगड़े हो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का इश्यू रहता है रिवर वाटर में मान लो ये कोई नदी बहती हुई जा रही है ऐसे ठीक है तो मान लो यहाँ कोई कंट्री है और यहाँ कोई कंट्री है ठीक है तो ये जो ऊपर वाली कंट्री है इसके पास अपस्ट्रीम का पानी है और ये जो नीचे वाली कंट्री है इसके पास डाउनस्ट्रीम का पानी है तो अक्सर डाउनस्ट्रीम वाली कंट्रीज इस चीज को लेकर कंप्लेन करते हैं कि ये जो अपस्ट्रीम वाली कंट्री है ये हमारे पानी को ब्लॉक कर रहे हैं ये हमारे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला दिक्कत तो बहुत लंबे टाइम से चलता ही आ रहा है इसराइल सीरिया एंड जॉर्डन जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी रिवर वॉटर को लेकर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रखा है हमने देखा है कि टर्की एंड सीरिया और इराक ये यूफ्रेट्स रिवर को लेकर बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं एंड ज्यादातर जो कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो किसी ना किसी रिवर वॉटर को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं नेक्स्ट इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स इंडिजिनस पीपल मतलब बेसिकली ट्राइबल लोगों को इंडिजिनस लोग कहा जाता है तो यूनाइटेड नेशन का क्या मानना है कि इंडिजिनस लोग कौन है? मान लो ये कोई कंट्री है इस कंट्री के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया पर किसी और के कब्जा करने से पहले भी बहुत सालों से यहाँ पर कुछ लोग रहते हुए आ रहे थे उन लोगों को इंडिजिनस पीपल कहा जाता है एंड उनके भी राइट्स होते हैं तो कुछ 20 लाख इंडिजिनस लोग हैं अलग अलग रीजन में फिलीपींस में बांग्लादेश में नॉर्थ अमेरिका में ठीक है सोवियत में तो कुछ 20 लाख इंडिजिनस लोग हैं हमारे इंडिया में भी हैं इन सब के राइट्स के बारे में इस टॉपिक में बात हो रही है तो ज्यादातर जो इंडिजिनस लोग हैं उनका ये मानना है कि आप लोग हमें वर्ल्ड कम्युनिटी में बराबर तरीके से ट्रीट करो इसी चीज को लेकर ये लोग आवाज उठाते हैं तो अलग अलग रीजन में अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं, पर इनकी डिमांड्स अक्सर सेम रहती हैं। ये लोग एक टर्म यूज़ करते सिंस टाइम मेमोरियल मतलब बहुत लंबे टाइम से हम लोग एक जगह पर रहते हुए आ रहे हैं तो हमारा हक है कि हम वहीं पर रहें हमें उस एरिया से रिलेटेड राइट्स मिलने चाहिए ठीक है तो जो Uh, ट्राइबल लोग होते हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं लॉस ऑफ लैंड के बारे में लॉस ऑफ लैंड मतलब मान लो हमारे ट्राइबल्स हैं हैं वो इस एरिया में रहते हुए आ रहे गवर्नमेंट को मान लो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इन्होंने क्या करा ट्राइबल्स को कहीं और भेज दिया ये बोला कि इस एरिया को खाली करो हमें यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या फिर अगर यहाँ पर कोई और कंट्री कब्जा करती है तो भी ट्राइबल्स को परेशान किया जाएगा तो अक्सर ट्राइबल्स ये डिमांड रखते हैं कि हमारी जमीन हमसे इंडिया में इंडिजिनस लोगों को हम अक्सर शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में डालते हैं हमारे पॉपुलेशन में एट परसेंट तो ये लोग आते हैं ठीक है अक्सर जो शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी के जो लोग हैं वो खेती का काम ज्यादा करते हैं और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा करा था तब ट्राइबल्स को बहुत परेशान किया गया था उन्हें फॉरेस्ट से भगा दिया गया था उनके राइट्स छीन लिए गए थे वो फॉरेस्ट से कोई सामान भी नहीं ले पाते थे तो उनके लिए वो बहुत ही बेकार टाइम था एंड आज के टाइम पर ब्रिटिशर्स तो नहीं है पर जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है तो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है तो ये चीज ट्राइबल्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद के uh, के बाद अलग-अलग देश के जो ट्राइबल्स हैं वो लोग आपस में कॉन्टैक्ट में आने लगे और थोड़ा साथ में काम करने लग गए इसी के चलते 1971 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल भी बनाया जाता है और हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है कन्फेटी टाइम स्टूडेंट्स जल्दी से क्लैप कर लो एंड आई होप यहां तक तुम सबको क्लियर है एक लास्ट चैप्टर और ठीक है फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं रेडी स्टूडेंट्स ओके रूल पता है सबको जल्दी जल्दी डाल दो फायर इमोजी फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़े हाँ दिव्या क्लियर यशस्वी अनवी क्लियर यशस्वी थैंक यू सो मच हाँ सुमन कन्फेटी टाइम ओके थैंक यू सो मच ओके चलो यार मुझे फायर इमोजी काफी कम दिख रहे हैं जल्दी जल्दी भर भर के फायर इमोजी भेज दो फिर हम आगे बढ़ते हैं मैम रिडल अरे यार मैं एक ही रिडल लाई थी थीके? पर अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें रिडल्स अच्छे लग रहे हैं तो कल 3:30 थर्टी पी पीएम जो हमारा बुक टू का मैराथन होगा उसमें मैं भर भर के रिडल्स लेर भर भर के मतलब हर एक चैप्टर के एंड में या हर दो तीन चैप्टर के एंड में रिडल ले आऊंगी पलक थैंक यू सो मच चलो यार अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैं थोड़ा सा पानी पी लू एंड मेरे अंदाजे से अगले 15 मिनट्स के अंदर हमारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए ठीक है ठीक है तो ये टारगेट सेट करके चलते हैं कि अगले 15, कि अगले अगले मिनट्स में हमें ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर खत्म करना है ओके okay, चलो यार स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा और लास्ट चैप्टर कितना तो अच्छा लग रहा है हम लोग एकदम लास्ट तक पहुंच रहे हैं मैराथन में अच्छा तो लग रहा है पर ठीक है यार तुम लोगों का बैच भी खत्म होने वाला है चलो ठीक है वो सैड टॉपिक है वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको तीन कहानियां बताई गई हैं वो मैं एक एक करके बताती हूँ एक इंसान है जनार्दन नाम से तो वो क्या करते हैं वो जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो उनका नाम जॉन हो जाता है एंड वो यूएसए के लोगों से बात करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं उनका एक्सेंट बदल जाता है उन्हें यूएसए के कैलेंडर के हिसाब से छुट्टियां हॉलीडेज वगैरह मिलती हैं तो जनार्दन के केस में ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है वो इंडिया में है पर कितने आसानी से वो यूएसए के क्लाइंट्स के साथ काम कर पा रहे हैं नेक्स्ट रामधारी की कहानी हमें बता रखी है रामधारी जो है इन ये एक फादर है इनके एक एक बेटी है इनकी एंड uh, बेटी का बर्थडे है तो रामधारी जाते हैं शॉप में एंड वो एक साइकिल खरीदते हैं और वो साइकिल चाइना में बनी थी पर इंडिया में बिक रही है और पिछले साल रामधारी ने बेटी के बर्थडे में बारबी डॉल खरीदा था जो यूएसए में बनी थी पर इंडिया में बिक रही थी तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि सामान चाहे कहीं पर भी बना हो वो इधर उधर ट्रेड में चला जाता है ठीक है नेक्स्ट सारिका के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये अपने फैमिली में पहली लड़की है जिसने पढ़ाई करी स्कूल में भी बढ़िया पढ़ाई करी कॉलेज में भी बढ़िया पढ़ाई करी फिर सारिका की जॉब लग जाती है और सारिका अपने फैमिली में पहली लड़की बनती है जो जॉब करने के लिए जाती है तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है कुछ और एग्जाम्पल्स देखें ग्लोबलाइजेशन के तो आपको कह रहे हैं कि कुछ फार्मर्स हैं हमारे जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लिया उन्होंने बहुत महंगे सीड्स खरीदे किसी एमएनसी से एंड फिर उन सीड्स से उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो उन्हें सुसाइड करना पड़ गया इंडिया की एक कंपनी है उस कंपनी ने क्या करा यूरोप की किसी एक कंपनी को खरीद लिया ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है हमारे देश में जिनके छोटे छोटे शॉप्स हैं उनको ये डर रहता है कि कल को कोई फॉरेन कंपनी का Uh, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बहुत सारे अगर शॉप्स खोल लेती है तो इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा एक फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई में उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये मूवी आपकी ओरिजिनल थोड़ी है आपने तो कहीं और से ही आइडिया किसी और कंट्री से आइडिया चुराया है तो एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मिलिटेंट ग्रुप है वो हमारे देश के कॉलेज की लड़कियों को डरा रहे हैं धमका रहे हैं कि तुम वेस्टर्न कपड़े पहन के कॉलेज मत जाओ तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है एंड इन सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि जरूरी नहीं है ग्लोबलाइजेशन हमेशा अच्छा हो पॉजिटिव हो ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिव चीजें भी होती हैं एक और चीज का ध्यान रखना लोगों को अक्सर लगता है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिक इश्यू है ऐसा नहीं है और लोगों को ऐसा भी लगता है कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ रिच कंट्रीज से पुअर कंट्रीज तक चीजों का फ्लो हो रहा होता है तो ये ऐसा सोचना भी गलत है ठीक है तो so, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो समझते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो का क्या मतलब है अगर एक जगह से दूसरी जगह पैसा जा रहा हो कोई सामान जा रहा हो कोई आइडिया जा रहा हो अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है तो ग्लोबलाइजेशन का आइडिया बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पर ज्यादातर कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ज्यादातर कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ग्लोबल Global, ग्लोबलाइजेशन जो है वो मल्टीडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट है मतलब ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है एक एक करके समझते हैं ठीक है तो हाँ इस चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल कल्चरल भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन अनइवन होता है कुछ एरियाज़ में ग्लोबलाइजेशन का असर आपको ज्यादा दिख सकता है कुछ एरियाज़ में आपको ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कम दिख सकता है आपको कह रहे हैं कि किसी एरिया में अगर आपको ग्लोबलाइजेशन का असली मतलब समझना है तो आपको उस एरिया का कंटेक्ट समझना पड़ेगा तभी आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आएगा नेक्स्ट कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या कारण है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन काफी जगहों पर ऑलरेडी हो रखा है ठीक है पर हाँ आज के टाइम पर यह है कि ग्लोबलाइजेशन और बड़े लेवल पर हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन और स्पीड के साथ हो रहा है इसका एक बहुत बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी जब से टेलीग्राफ जब से टेलीफोन इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है हमारा ग्लोबलाइजेशन का स्पीड बढ़ गया है पर ये समझो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के बढ़ जाने के वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं होता ग्लोबलाइजेशन इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि हर एक कंट्री को ये एहसास है कि हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है जैसे कि सुनामी हो गया बर्ड फ्लू हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया टेररिज्म हो गया हमें पता है कि कोई एक देश इसे अकेला नहीं सुलझा सकता अलग अलग देशों को साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस है इसीलिए भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है पॉलिटिकल सेंस में ग्लोबलाइजेशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिक्स में तीन टाइप के एफेक्ट पड़ सकते हैं एक इफेक्ट तो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट कम होने लग जाए है ना क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ने लग जाता है फिर मे बी ऐसा हो कि एक टाइम ऐसा आ जाए जब गवर्नमेंट की पावर्स कम हो जाए गवर्नमेंट बहुत छोटे छोटे चीजों के ऊपर काम करे और ज्यादातर देश प्राइवेट एक्टर्स संभालना स्टार्ट कर दें, ठीक है एक तो ये इफेक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का एक और तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट की पावर कम हो जाए पर एक और नजरिया इस चीज को समझने का ये है कि यार गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट की पावर कम हो जाए ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करना छोड़ दे पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट के पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता एक तीसरा नजरिया है इस सिचुएशन को समझने का हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से गवर्नमेंट और पावरफुल हो जाए ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है हमारे देश में पैसा आता है टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी गवर्नमेंट उस टेक्नोलॉजी को यूज करके और बढ़िया तरीके से काम करने लग जाए ठीक है तो यही आपको समझाया जा रहा है इन तीनों पॉइंट्स में ये भी ये पॉइंट भी मैंने अभी समझा दिया आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में आ जाओ ठीक है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में आपको बताया जा रहा है कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है हमारे ग्लोबलाइजेशन के वजह से तो सबसे पहले तो ये समझो कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड डब्ल्यू इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ठीक है पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है और सबसे कम फायदा किसको हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है इकोनॉमिक फ्लो पैसा सामान ये सब जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम इसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में काउंट करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन वॉलेंट्री हो सकता है मतलब अगर अलग अलग देश अपने मर्जी से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो वॉल्ट्री होगा फोर्स्ड भी हो सकता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो अगर एक देश दूसरे कमजोर देश के ऊपर जबरदस्ती कर रहा है उन्हें सप्रेस कर रहा है तो ये फोर्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा एनीवे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग कंट्रीज ने अपने रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया है ठीक है तो ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया है जिसके वजह से अलग अलग कंट्रीज आपस में अच्छे से मिलकर काम कर पा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हमने ये देखा है कि जो रिच कंट्रीज के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऑप्शन खुल गए हैं वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं इंटरनेट का डेवलपमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर अगेन आपको बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हर जगह सेम तरीके से नहीं होता कुछ एरियाज में ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है कुछ एरियाज में ग्लोबलाइजेशन कम है नेक्स्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने बॉर्डर्स को प्रॉपर तरीके से गार्ड कर रखा है वो पुअर कंट्री के लोगों को या किसी और कंट्री के लोगों को इतनी जल्दी अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करते हैं ठीक है पर याद रखना ग्लोबलाइजेशन के वजह से ऐसा नहीं होगा कि सेम पॉलिसी से हर जगह सेम रिजल्ट दिख जाए हर देश में कल्चर अलग होता है सिचुएशन अलग होता है तो सेम पॉलिसी सेम रिजल्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस करा है तो हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन से डिफरेंट आउटकम्स जेनरेट होते हैं डिफरेंट आउटकम्स मतलब ग्लोबलाइजेशन से अलग अलग कंट्री के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट काफी अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उन सबके सोच विचार को थोड़ा समझते हैं जिन लोगों को इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं पसंद वो ऐसा कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ बहुत कम लोगों को फायदा हो रहा है जो जो रिच रिच लोग हैं हैं वो और रिच होते जा रहे हैं। पर जो गरीब लोग हैं जो साधारण लोग हैं उन तक तो कोई फायदा पहुंच ही नहीं रहा है इन लोगों का मानना है कि हमें एक सोशल सेफ्टी नेट बनाना चाहिए सोशल सेफ्टी नेट मतलब ऐसा कोई भी तरीका जिससे हम ग्लोबलाइजेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर पाए तो इनका मानना है कि हमें सोशल सेफ्टी नेट बनाना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं हम उनको बचाकर रख पाए ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से एंड इनका ये भी मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए तुम वीकर कंट्रीज के ऊपर जबरदस्ती इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करना बंद करो तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक नए तरीके का कोलोनाइजेशन है मतलब एक नए तरीके का मेथड uh, है जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से सबकी इकोनॉमी बढ़ रही है हर इकोनॉमी जो अपना बेस्ट कर सकती है हर इकोनॉमी वो कर रही है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के वजह से एंड इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से पूरे वर्ल्ड को मदद मिलेगी इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसको हम टाल ही नहीं सकते तो इससे भागने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ मॉडरेट सपोर्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के मॉडरेट मतलब उनको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ठीक लगता है तो ये लोग कहते हैं कि यार इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अच्छा है पर इसमें कमियां भी हैं पर अगर हम अपना दिमाग लगाकर काम करेंगे तो हम इन कमियों को हटा सकते हैं ठीक कर सकते हैं तो जो भी लोगों का मानना हो एक चीज तो फिक्स्ड है एक चीज हम सबको पता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हो रहा है अलग अलग कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं नेक्स्ट कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या है कल्चरली भी ग्लोबलाइजेशन uh, से इम्पैक्ट पड़ता है हम अपने घर में क्या खाते हैं क्या पीते हैं किस टाइप के कपड़े पहनते हैं इस सब इन सब के ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से इम्पैक्ट पड़ता है तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो सकता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि देश में जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं उन सब का सेम टाइप का एक कल्चर बन जाएगा तो इसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं कि हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर को भूल जाए और पूरे वर्ल्ड में एक सेम टाइप का कल्चर चलने लगे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है ना वो अपना कल्चर वीक कंट्रीज के ऊपर इंपोज कर देती है तो यूएसए का कल्चर पूरे वर्ल्ड में धीरे 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 फैलता जा रहा है तो इसे हम यूएस के डोमिनेंस का सॉफ्ट पावर मानते हैं सॉफ्ट पावर मतलब ये हमें डरा थोड़ी रहे हैं हमें मार थोड़ी रहे हैं ये मतलब एक अलग तरीके से अपने डोमिनेंस को फैला रहे हैं अपने कल्चर को फैलाकर तो ये कार्टून है हमारे एनसीआरटी का तो यहाँ पर यहाँ के नेटिव्स रह रहे हैं एंड फिर यहाँ पर अचानक से मिकी माउस आ गया है कोको कोला के ब्रांड्स हैं यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का साइन है यहाँ पर तो ये इन सारी चीजों को दिखा रहा है कि कैसे यूएसए का कल्चर फैलता जा रहा है आजकल हमारे देश में यूएसए का खाना पॉपुलर होता जा रहा है जीन्स बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है तो इन सारी चीजों से दिखता है कि यूएसए का कल्चर फैलता जा रहा है मैकडोनाल्डाइजेशन कहते हैं हम इस चीज को जब एक देश के फीचर्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट टाइप्स हो जाते हैं इस केस में अमेरिका का कल्चर हर जगह फैलता जा रहा है इसी कंटेक्ट में ये टर्म यूज करा जा रहा है तो देखो पुअर कंट्रीज के लिए ये डेंजरस है क्योंकि गरीब कंट्रीज का तो कल्चर चला जा जाएगा एंड रिच कंट्रीज का कल्चर फैलने लगेगा पर याद रखना कि कल्चर ना वैसे भी हमेशा बदलता रहता है ठीक है अगर अमेरिका नहीं भी करता तो आज से हजार साल पहले इंडिया का जो कल्चर था वो आज के कल्चर से काफी अलग है तो कल्चर वैसे भी बदलता रहता है एंड जरूरी नहीं है कि हम इसे हमेशा नेगेटिव सेंस में ले ठीक है जैसे ठीक है यूएसए का खाना इंडिया में आ रहा है पर जब आपका दाल चावल खाने का मन करता है तो आप दाल चावल ही खाते हो ना हमारे एनसीआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि चाहे जो भी आ जाए पिज्जा बर्गर कुछ भी आ जाए वो तुम्हारे मसाला डोसा को तो रिप्लेस नहीं कर सकता ना दाल चावल को तो रिप्लेस नहीं कर सकता ना एंड ब्लू जीन्स इतना भी कोई बुरी चीज तो नहीं है ब्लू जीन्स हम तो कुर्ते के साथ भी पहन लेते हैं ब्लू जीन्स और अच्छा लगता है तो हर बार जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही हो और आप इसे उल्टे सेंस में भी ले सकते हो आपने देखा होगा मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे अमेरिकन भी हैं जो कुर्ते पहनते हैं जो झुमके पहनते हैं और रील्स डाल रहे होते हैं तो हमेशा इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना कभी कभी ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी होता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कल्चरल होमोजेनाइजेशन से उल्टा कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन मतलब एक ऐसा कंडीशन जब हमारे कल्चर और स्ट्रॉन्ग होते जाए ठीक है तो मान लो ये कोई देश है यहां पर हमने किसी और देश का कल्चर लगाने की कोशिश करी तो इन देश के लोगों ने अपने कल्चर को और अच्छे से अपनाना स्टार्ट कर दिया तो इसे हम कल्चरल हेटरोजेनाइजेशन कहते हैं कि अलग अलग देशों ने अपने कल्चर को और स्ट्रांग बना दिया ठीक है तो ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन से उल्टा होता है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया के कंटेक्स में ग्लोबलाइजेशन समझते हैं तो अगेन ग्लोबलाइजेशन इंडिया के लिए कुछ नया नहीं है बहुत लंबे टाइम से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है जैसे जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था ब्रिटिशर्स हमारे देश से रॉ मेटीरियल अपने यहां लेकर जाते थे जैसे मान लो कॉटन लेकर चले गए फिर उन्होंने वहां कॉटन का प्रोडक्शन करा फिर वो उस सामान को आकर इंडिया में बेचते थे ठीक है तो ये भी एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन ही हो गया फिर हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया देश से फिर हमने सोचा कि यार इन्होंने जो करा है वो गलत है हम इस टाइप की चीजें इंडिया में फिर से नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स को भगाने के बाद हम प्रोटेक्शनिज्म अपनाते हैं प्रोटेक्शनिज्म मतलब हम सोचते हैं कि हम अपने देश को बचाकर रखेंगे हम किसी और कंट्री के ब्रांड को आकर हमारे देश में प्रमोट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा हमारी देश की जो कंपनीज हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी उनका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा ठीक है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बढ़िया चल रहा होता है ये ठीक है तो हेल्थ हाउसिंग एजुकेशन इन सब में डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें प्रोटेक्शनिज्म से ठीक है तो आ, बाद में हम देखते हैं हाँ एक मिनट प्रोटेक्शनिज्म से कुछ कुछ एरियाज में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है वाइल सम एडवांसेस वर मेड इन क्रिटिकल एरिया क्रिटिकल सेक्टर सच एज हेल्थ हाउसिंग एंड एजुकेशन डिड नॉट रिसीव दी अटेंशन तो जब हम प्रोटेक्शनिज्म कर रहे थे कुछ कुछ एरियाज़ में ग्रोथ हुआ पर हेल्थ हाउसिंग और एजुकेशन में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता और प्रोटेक्शनिज्म को जब हम ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी बिगड़ने लग जाती है हमारी इकोनॉमी और स्लो होने लग जाती है तो ऐसे में 1991 में हम डिसाइड करते हैं कि ऐसे हमारा काम नहीं चल पाएगा और हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आते हैं हम अपने कंट्री के इकोनॉमी को और ओपन करते हैं एंड हम अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना ये सारी चीजें हम करते हैं एंड ये काफी सक्सेसफुल रहा जब हमने ये करना स्टार्ट करा तो हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते एंड ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो ये आर्गुमेंट्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं पॉलिटिकल सेंस में लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन से गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही है इकोनॉमिक uh, सेंस में कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म को वापस ले आओ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है कल्चरल सेंस में लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश का कल्चर हटता जा रहा है और जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स है ना इनमें भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो मान लो ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ में यहां पर कोई ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोल रहा है और यहां पर भी कोई ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोल रहा है अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो ये दोनों साथ में मिलकर आवाज उठा सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ तो ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे करें ये दोनों तो बहुत दूर दूर रहते हैं ये दोनों भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही कनेक्ट कर गए पर ये ग्लोबलाइजेशन के कुछ चीजों को पसंद नहीं करते तो ये उन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है लोग इस चीज के बारे में कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो वीक कंट्रीज को परेशान कर रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबलाइजेशन से कुछ खास फायदा मिल नहीं रहा है वर्ल्ड सोशल फोरम भी बनाया जाता है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं एनवायरमेंटलिस्ट हैं वन एक्टिविस्ट हैं एंड ये लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं डिस्कशन करते हैं पहला डब्ल्यू का मीटिंग पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में 2001 में हुआ था इनका फोर्थ मीटिंग हमारे यहाँ मुंबई 2004 में हुआ था एंड 2018 में इन्होंने ब्राजील में भी एक मीटिंग रखी थी इंडिया में रेजिस्टेंस है क्या ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ तो इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा है कि लोग ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो जो लेफ्टिस्ट पॉलिसीज रखते हैं जो प्रो पुअर पॉलिसीज रखते हैं उनको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पसंद नहीं है वो कहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म करो और मल्टीनेशनल कंट्रीज को इंडिया के अंदर एंट्री मत दो ठीक है नीम जैसी जो चीजें हैं ना ये इंडिया में बहुत लंबे टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं पर अमेरिका एंड यूरोप की कंट्रीज यूरोप की कंपनीज आकर नीम का पेटेंट उठाकर चली गई तो ऐसे इश्यूज को लेकर भी हम आवाज उठाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है नेक्स्ट आप देखोगे की काफी सारे चेंजेस हैं हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरिन टीवी चैनल्स हम आराम से देख सकते हैं वैलेंटाइन्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है इसी के साथ हमारा लास्ट चैप्टर भी फिनिश हो गया है ठीक है बुक वन मैराथन मेरे तरफ से डन है अगेन uh, अगर ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना ये सेशन जब एंड होगा तो शो योर लव एंड सपोर्ट इन दमेंट सेक्शन और क्लास uh, को एंड करने से पहले मैं आपको बता रही हूं मैं कल 3:30 थर्टी पी पीएम लाइव आऊंगी और कल 3:30 थर्टी पी एम के क्लास में हम लोग जो बुक टू है बुक uh, टू से रिलेटेड हम लोग मैराथन रखने वाले हैं अभी तो बुक वन के सारे चैप्टर्स करें कल 3:30 थर्टी हम लोग बुक टू के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे ठीक है तो ये शेड्यूल है आप लोगों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसमें से ये हमारा हो चुका है ठीक है बुक वन मैराथन हो गया कल थ्री थर्टी पी एम बुक टू का मैराथन होगा और फिर कल नाइन पी एम बुक टू का पोल सेशन होगा इन सबके लिंक्स मैं हर जगह डाल दूंगी कम्युनिटी पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा इंस्टा स्टोरी पर भी मिल जाएगा तो हाँ ठीक है कल का ये प्लान है उसके बाद परसों दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं एंड फिर 21 मार्च 3:30 पीएम को एक लास्ट फाइनल रिवीजन हम लोग करेंगे एक और चीज अभी हमारे अन अकेडमी में ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है मतलब सात दिन के लिए अन अकेडमी के सारे पेड कोर्सेज आपको फ्री में मिल सकते हैं ठीक है तो अभी आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का एग्जाम पेंडिंग है तो आ, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए Uh, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा फोन नंबर डाल डाल दो दो आएगा आपके फोन पे वो OTP डाल दो. उसके बाद आपसे एक एक्टिवेशन कोड मांगा जाएगा ठीक है तो एक्टिवेशन कोड में तुम लोग लिख देना अनुष्या ए एन यू एस एच वाई ए एंड इससे सात दिन के लिए अन्य में सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएगा तो इन सात दिन आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस में जाओ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पी वाई सैम्पल पेपर सब उठा लो और अपनी बढ़िया तैयारी तुम लोग कर सकते हो ठीक है बच्चों तो मेनली मुझे आप लोगों को आज इतना ही कराना था ठीक है यार क्लास एंड करते हैं और जो भी बच्चे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास में बने रहे आई एम सो प्राउड ऑफ यू बहुत ही बढ़िया तुमने आज जो मेहनत करी है इसका रिजल्ट तुम्हें ट्वेंटी सेकेंड को डेफिनेटली मिलेगा चलो तो अब मैं सेशन एंड कर रही हूं कर लेना जल्दी सो जाना आ, कल सुबह जल्दी उठकर थोड़ा रिवाइज कर लेना आज जो भी पढ़ा है उसके बाद कल 3:30 थर्टी पी पीएम लाइव आ जाना बुक टू का मैराथन स्टार्ट करेंगे ओके चलो स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू